Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj ke charno sarojame Shraddha Pushpangali arpan karta hu. Upasthit Vaishnav, Vaishnavi, Mata, Pitai, Bhai, Bhai, Sabhi ko main jatha yogya pranam karta hu. Katakalya hum log shravan kar rahe the, Krishna kaise Bhagavan hote hue bhi ब्रजवासियों को चित्तों को चुराने के लिए प्रभु घर घर में मक्खन चोरी करते थे. मक्खन मतलब क्या? बोले माँ का मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं. भगवान किस चीज को चोरी करते हैं? बोले जिसकी हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मदमात्सर्य नहीं. बोले किसके हृदय में वो नहीं? बोले भक्तों का हृदय में. अरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये ब्रजवासी. और ये ब्रज की गोपियाँ हैं. गोपी कोई स्त्री नहीं. गो मतलब होता है इंद्रियाँ और पी मतलब होता है बिना. जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं, क्योंकि ये गोपी है. एक दिन मैया जसोदा सोच रही हैं कि रोज रोज गोपियाँ उलाहना देती हैं, हमारे घर में तेरे लाला रोज रोज मक्खन चोरी करता है. लगता है मेरे घर का मक्खन शायद खट्टा होता होगा और दूसरे घर के मक्खन शायद मीठा होता है, इसलिए मेरे लाला दूसरे दूसरे घर में मक्खन चोरी करते हैं. एक दिन मैया जसोदा सोच रही है, आज मैं अपना हाथों से मैं आज मक्खन बनाऊँ. कहते नंद बाबा का घर में 9 लाख गया था, लेकिन उसमें 8-10 विशेष दाबी थी. कहते जिस गैया के कान काला रंग के हो, कहते उनको पद्म कंधा दाबी कहते हैं. उनका जो दूध से कमल फूल का खुशबू निकलती है. मैया जसोदा ने अपना हाथों से उन्होंने दूध को बिता ली और अच्छे तरह से गर्म की और दही जमा ली और सवेरे सवेरे उठ करके मैया जसोदा दधि मंथन कर रही थी. बोले जानी जानी हितानी तत्काल चरितानि च दधि निर्मंथन काले गायन्ति तान गायत. इधर मैया जसोदा हाथों में तो दधि मंथन कर रही थी, लेकिन मुंह में क्या कर रही थी? भगवान के नाम जप कर रही थी. इसलिए मैया सबको शिक्षा देती है, हाथों में तो काम करो, काम नहीं ठाकुर को सेवा करो. ठाकुर जी के हाथों में सेवा करो और मुंह में क्या करो? भगवान की नाम लो. अगर भगवान की नाम लोगे, भगवान की सेवा करो, तो देखो इसका फल किया है. कृष्ण अभी सो रहे थे जब मैया ने कीर्तन कर रहे थे और कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही थी, इतने में कृष्ण की आंख खुल गई. बोले मैया कहाँ है? देखा मैया तो दधि मंथन कर रही है और मेरी कीर्तन कर रहा था. इतने में कृष्ण पलंग से उतरे, आ करके मैया को पीछे से पकड़ ली. बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को दूध पिला दे. मैया बोली लाला तेरे को दूध भी पिला दूंगी, तेरे को मक्खन भी खिला दूंगी, लेकिन थोड़ी सी रुक जा, क्योंकि सूर्य उदय होने पर ये मक्खन निकलेगा नहीं, थोड़ी सी रुक जा. बोले मेरे को अभी भूख लग रही है. बोले रुक जा. लेकिन मैया जब दधि मंथन कर रही थी, हमारे टीकाकार लोग कहते हैं मैया अपना हाथों से कंगन पहन रखी थी. वो कंगन जैसे हम कीर्तन करते हैं, मजीरा बजाते हैं, वो मजीरा का काम कर रहा था. और जो रई उसमें जो घर 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 सप्ताह हो रही थी, जैसे हम ढोलकी बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, हैं? आप लक्ष्य करके देखना, ये जो ढोलकी बजाते हैं ना मृदंग, उसमें एक आवाज निकलती है. वो आवाज है धीक्तांग धीक्तांग धीक्तांग. मतलब क्या है? यदि ये मृदंग कौन? बड़े बलदेव हो, ये गुरु है. ये गुरु रूप में क्या शिक्षा देते हैं? बोले उसको जीवन को अधिकार है जिनको ये मानव शरीर तो मिला, लेकिन ये पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, ये मृदंग मानव गुरु रूप में तो उसका जीवन अधिकार है, उसके जीवन को अधिकार है. इतने में कृष्ण अभी बोल रहे मेरे को दूध पिला दे.
मैया बोलती है रुक जाओ। कृष्णा सोचा जब तक मैया की कान को मैं बंद नहीं करा दूं ना तब तक मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी। कृष्णा सामने से आकर के दोनों हाथों से रई को पकड़ लिया। मैया ने देखा लाला को बड़े दिमाग ताला। इतने में उन्होंने कृष्ण को अपना गोद में ले ली और कृष्ण को दूध पिला रहे थे। दूध पिलाते समय चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए मैया बैठा रही थी। देखो यहाँ पर हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं वो जो दूध है ना अभी गर्म होकर के उफन उफन करके अभी गिरने जा रहा है। बोले क्यों? बोले लगता है मेरे जीवन बेकार हो गया। कहते मैया के स्तन में इतने दूध है मानो जो खीर खीर समुद्र कहते हैं वो पूरा पूरा समा जाए। बोले कृष्ण का पेट कितना कल सुन रहे थे ना विश्व ब्रह्मांड जिनके उदार है कृष्ण का पेट भी भरेगा नहीं मैया की स्तन से दूध कभी खत्म नहीं होगा। लगता है मैं तो कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगी। अगर ये जीवन कृष्ण सेवा में नहीं लग पाया अरे जीवन को क्या करो जीवन को अग्नि में आहुति दे दो। इसलिए ये दूध उफन उफन करके वो अग्नि में गिरने जा रहा था लेकिन मैया बड़ी दयालु है। इनका नाम जसोदा। जसोदा मतलब जसम ददाति इति जसोदा। सबको जो जस दे सबको जो सेवा के अधिकार दे उसका नाम जसोदा। माँ बड़ी कृपालु। बोले भैया दूध उफनना उफनना नहीं आग में गिरना नहीं मैं तेरे को भी कृष्ण सेवा में लगाऊंगी रुक जा। बोले कन्हैया थोड़े गोद से उतर जा लाला ये दूध उफन रहा है। बोले आधा पेट नहीं भरा बोल रहे गोद से उतर जा मेरे को भरपेट दूध पिला करके तभी जाया करो। अभी मैया सोच रही है इधर दूध भी उफन रहा है और उधर पूत भी उफन रहा है ये दोनों ही उफन रहे हैं अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। मैया सोच रही है मेरी स्तन में जो दूध है मैं तो कभी भी कृष्ण को पिला सकती हूँ अगर ये दूध उफन करके गिर गया फिर तो मक्खन ही नहीं बनेगा फिर मक्खन नहीं बनेगा तो लाला को घर में खाना क्या खिलाऊंगा। इसलिए पहले ये दूध जो उफन रहा है उसको रखा करनी चाहिए। बोले कन्हैया थोड़ा गोद से उतर जा। बोले नहीं मेरे को भरपेट खिला करके तब जाया कर। मैया बोले उतरोगे नहीं। बोले नहीं मैया कृष्ण को ऐसे पकड़ बोले उतरोगे बैठ यहाँ पर जोर जबरदस्ती बैठा करके मैया चली गई। देखो हम कल सुन रहे थे उतना 10,000 हाथी की ताकत है कृष्ण को केवल 6 दिन समय केवल कृष्ण 6 दिन के थे लेकिन पुतना जैसे राक्षसी कोशिश की छुड़ाने के लिए लेकिन टस से मस तक भी नहीं कर पाए। लेकिन आज मैया जसोदा पकड़ करके कृष्ण को बैठा दी। कृष्ण का सारी बल पराक्रम धरा के धरा रह गया। बोले क्यों? कहते माँ जसोदा की जो भावना है ना ये बात से लग रहा है भगवान केवल प्रेम के भगवान प्रसिद्ध होते हैं। मैया सोचती है मेरे लाला है ये मेरी लाला है ये जो भावना है इसी भाव से कहते ना भगवान प्रेम के प्रभु भूखे हैं। कृष्ण को जैसे तैसे माँ कृष्ण बैठ रह गए रोते रह गए कृष्ण। मैया गई दूध जो उफन रही थी पानी की छिटा दे करके दूध जो उफन रहा था उसको उन्होंने बंद किए। देखो इधर क्या हुआ आप देखना बच्चे को जब क्रोध आए ना सामने जो कुछ मिले फेंक खाने लगता है। कृष्ण बोले मेरा आधा पेट भी नहीं भरा और मेरे को गोद से उठा दिया अभी दिखाता हूँ तो कितने दूध को रखा करोगे जो इतना बड़ा मटकी थी कितने मन उसमें दही था हैं भैया मंथन करते करते भी मट्ठा बन गया। कृष्ण सोचा ये मटकी को पकड़ करके मैं पलट दूँ लेकिन कृष्ण का उम्र कितना केवल 3 साल 2 महीना की बहुत कोशिश की पलटाने के लिए लेकिन इतने बड़े मटकी को कैसे पलटा तस से बस भी नहीं हुआ। इतने में देखा वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था उठाया और मारे मटकी को मारते ही मटकी तो फूट गई बन गया था मट्ठा और धीरे 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 निकलने लगे और कृष्ण देखकर बड़े खुश हो गए मैंने मटकी फोड़ दी। हाँ बच्चे जैसे करते हैं लेकिन अभी कृष्ण सोच रहे भैया अभी तो मैया आएगी
अगर मटकी फोड़ दी जो डंडा है ना एक नीचे नहीं सब पीठ को भर गिरेगा। फिर कृष्ण क्या किए, दूसरे घर में गए और कुखल गोबर में खड़े हो गए और छीके से निकाल दिया उन्होंने मटकी। निकाल करके उन्होंने जितने कौवे और बंदर थे ना उनको खिलाना शुरू कर दिए। बोले क्यों? बोले ये कौवे बंदर कौन है? बोले जो कौवे है ये काक भुसुंडी के वंशधर। ये काक भुसुंडी कौन है? बोले जो नित्य निरंतर अक्षय वट के ऊपर बैठ करके भगवान की जो कथा सुनाता है ये काक भुसुंडी इनकी वंशधर है। कहती ये बंदर कौन है? बोले ये सबके सब हनुमान की वंशधर है। इसलिए प्रभु सोच रहे हैं रामलीला में इन लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, मैंने कुछ भी इनको नहीं खिलाया, अपने आप जंगल से फल मूल खा करके मेरे लिए रावण को साथ में कितने लड़ाई की। अभी तो मैंने उनकी कोई सेवा नहीं कर पाई, कम से कम कृष्ण लीला में तो सेवा करती रहा। आओ सबको मक्खन खिला रहे थे ठाकुर, सबको मक्खन खिला रहे थे। मैया जब थोड़ी देर बाद में आई ना, देखा मटकी फूटी हुई और सारे हम मट्ठा इधर उधर बिखर रहा है। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोली ये मेरी सांस का समय की मटकी, पहले ये सिल्वर और कोई स्टील बिल नहीं होता था, सब कुछ मिट्टी का बर्तन से सब कुछ बनता था, है मिट्टी का बर्तन में। कहते कितने घी पी पी करके ये मजबूत हो गया था और मेरी सांस की समय की मटकी फोड़ दी। बोले इसको मुझे दंड देना ही पड़ेगा। जब चोर चोरी करता है ना वो ऐसे कुछ निशान छोड़ करके जाता है, सियाई को पकड़ लेता है। लेकिन कृष्ण तो छोटे मोटे चोर नहीं, कृष्ण सबसे बड़े चोर है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं बोले अनेक जन्माज पाप चौरम चौराग्र गन्नम पुरुषम नमामि। सबसे बड़े चोर कृष्ण है, जो दिल को चुराता है, जो मन को चुराता है, जो पाप को चुराता है, जो कष्ट को चुराता है, सबको चुराने वाले ये भगवान कृष्ण है। यदि ये सबसे बड़े चोर श्री कृष्ण है। लेकिन चोर तो चोरी किए लेकिन कुछ उन्होंने चिन्ह छोड़ कर दिया। बोले क्या चिन्ह है? कृष्ण को प्यार में भी वो दही और मट्ठा लगा हुआ था। जब कृष्ण एक घर से वो धीरे 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 दूसरे घर में गए वो चरण का छाप भी पड़ा हुआ था। इतने में मैया जसोदा ने उठाया एक छड़ी लकुटी और धीरे 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 उसको पीछा कर रहा है। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने बहुत अच्छी बात बताते हैं। बोले भैया कृष्ण तो भगवान है, क्या उनको पता नहीं है मेरे चरण का छाप पड़ते पड़ते जा रहा है और मैया धीरे धीरे पकड़ लेगी, क्या उनको पता नहीं था तो भगवान है? कहते इनको सब कुछ पता है। बोले फिर क्यों छोड़ कर गए हैं? तब हमारे श्री उपनिषद में वहां पर बताए बोले न अयम आत्मा प्रवचनी न लभ्य न मेधया न बहु न श्रुते। मतलब है भगवान को न अयम आत्मा प्रवचनी न लभ्य, भगवान को प्रवचन को द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकते, बुद्धि से कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ज्यादा सुनने पर भी कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर वो कैसे मिलते हैं? बोले जमे वैसे बृणुते तन लभ्य तसे से आत्मा विभूर्णते तनसु। जब भगवान कृपा करके स्वयं किसको जनाते हैं, कितना सही जाने जा रहे देहू जाना है, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं। नहीं तो हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं यद्यपि समाधि सु विधिरपि पश्यति न तव न घाघर मरीचि। ब्रह्मा भी ध्यान करते करते जिनके चरण की नख की छटा तक को भी वो दर्शन नहीं कर पाते। कितना शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्याने ताही आहिर की चोरिया छाछ पर नाच नचाने। अगर भगवान किसको नहीं जनाते हैं उनको कोई जान नहीं सकते। इसलिए भगवान ने क्या किया बोले तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम वृद्धि पूर्वकम ददामी बुझी जुगतम जन माम उपजाति।
अगर उनको सच दीन से कोई उनको ढूंढे तो भगवान कृपा करके उसको पकड़ में आते हैं। इसलिए मानव प्रभु ने जानते हैं मैया मेरे को ढूंढेगी, लेकिन जब तक मैं स्वयं पकड़ में नहीं आता हूँ मैया मेरे को पकड़ नहीं सकती। इसलिए मानव ठाकुर जी चरण की छाप को छोड़ते हुए गए, मैया ने लकुट लेकर के धीरे धीरे, जैसे बिल्ली चलती है ना, ऐसे धीरे धीरे मैया धीरे 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 चल रही थी। अब कौए और बंदर बड़े चालाक होते हैं, देखा मैया को हाथ में लकुटी है, इतने में एक एक कौए और बंदर धीरे 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 पीछे पीछे हटने लगे। कृष्ण बोले भैया कौए बंदर क्यों हट गए, क्या बात है मैया तो नहीं आ गई। इतने में कृष्ण पीछे झांक करके देखे, सचमुच से मैया खड़ी हुई, अभी अभी मैया पकड़ने वाली। देखो जो पक्के चोर होते हैं ना, चोर दो तरह के, एक कच्चे और एक पक्के। जो पक्के चोर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर गृह स्वामी जग जाए वो किधर जाएंगे पहले उस पर रास्ता खाली कर रखते हैं। अब जो कच्चे चोर होते हैं ना वो चीज को देखते नहीं, लेकिन कृष्ण तो पक्के चोर और कच्चे चोर है ही नहीं, जानते हैं मैया इधर से आएगी। और कृष्ण पहले से ही मेन रोड का जो दरवाजा को उन्होंने खोल कर रखे थे, अगर मैया इधर आए तो इधर में भाग जाऊंगा। और माता जी घर की बहू, पहले माताएं कोई भी घर से बाहर कोई नहीं निकलती थी, सबके सब अंदर में घर की सेवा काम करती थी। बोले वो तो घर की बहू निकलेगी नहीं और मैं तो भाग जाऊंगा। इतने में देखा पीछे मैया अभी अभी पकड़ने वाले, कृष्ण छलांग लगाए और एकदम मेन रोड में निकल गए, निकल करके भागने लग गए। मैया बोली कहाँ जाओगे, तू ये सोच रहे हो मैं घर की बहू हूँ बाहर नहीं निकलूंगी, आज दीपावली है, जितने पुरुष लोग सबके सब दीपावली मनाने के लिए गोवर्धन गए हुए, अभी घर में कोई पुरुष लोग अभी कोई है नहीं कहाँ, अभी मैं तेरे को छोड़ने वाले नहीं। इतने में मैया जसोदा उनको पकड़ने के लिए जा रही है, कृष्ण तो छोटे बच्चे 3 साल के वो भागते जा रहे हैं, और मैया थोड़ी सी मोटी थी, जब थोड़ी सी भागने लगी मैया को हाँफने लग गई, मैया हाँफने लग गई, और मैया चोटी सुंदर फूलों की माला से उन्होंने श्रृंगार करके रखी थी, और एक एक फूल गिरते गिरते जा रहा था, मानो फूल ये बता रहा था, बोले मैया तुम ये मत समझो तू अकेली हो, नहीं तेरे साथ हम भी हैं, आज सब मिल करके कृष्ण को पकड़ेंगे, आज कृष्ण को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैया किसको पकड़ने के लिए जा रही, बोले जिनको काल जवन, जिनको भागते 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 काल जवन भी जिनको पकड़े नहीं पाए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं पायो रथाभिमन पुंगवानाम, जिनकी चरण को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी कठोर तपस्या करते हैं, कहते दर्शन की तो दूर की बात है, जिनके हृदय में जिनके चरण तक भी स्मरण नहीं कर पाते हैं, आज मैया जसोदा आज ऐसे जो भगवान इनको पकड़ने के लिए मैया जसोदा चाह रही हैं। जब थोड़ी दूर मैया को भगा दी, कृष्ण सोच रहे हैं मैया मैया को कब तक भगाऊं, मैया तो अभी हाफ गई है। इतने में मैया कहती है लाला तू खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो, अभी मारो अभी डंडा को फेंको अभी। जब ऐसे उठाया ना, इतने में कृष्ण ऐसे करके खड़े हो गए, बोले मैया मैं तो खड़े हो जाऊंगो लेकिन पहले हाथ की जो लपटी है ना इसको पहले फेंक दे। बोले तेरे को मैं थोड़ी मारूंगी, तेरे को तो पूजूंगी। कभी कभी माताएं बच्चों को पूजा करती थी, पूजा करती हो कभी कभी बच्चों को ना, इसे तेरे को मारूंगी नहीं तेरे को पूजूंगी, अभी वही खड़े हो जा। इतने में महा लठिया को पीछे कर दी, जा करके उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ करके। और कृष्ण हमारे श्री सत्यव्रत मुनि एक दामोदर अष्टक है, बड़ी सुंदर रूप में बड़ा सुंदर उसकी विवरण करते हैं, उसका 2 श्लोक हम गाते हैं। बोले नमामि स्वयं सचिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुलभाग्यमान
आंसू बह रही थी, मैया ने मोटी मोटी काजल लगा कर रखी थी और कृष्ण दोनों हाथ से मसल रहे थे और काजल मिश्रित तो आंसू जब बह रही थी लग रहा था मानो गंगा जमुना की धार बह रही थी। और उसी समय में मुहूर्त श्वास कम पत्र देखा पकड़कर कृष्ण सिसक सिसक करके रो रहे थे, बोले मैया मेरे को मारना नहीं, मैया मेरे को छोड़ दे, मैया मेरे को मारा। यहाँ पर श्री कुंती कहती है, बोले कन्हैया मैं भी उसी समय में थी, मैं भी चक्कर में पड़ गई थी। बोले क्यों, मेरे को बता तो भगवान ही, जिसकी डर से स्वयं काल भी थरथर थरथर कांपते हैं, लेकिन आज तुम मैया की डर से थरथर कांप रहा था। मैंने सोचा कोई नाटक कर रहे हो ना, सचमुच से रो रहे हो, लेकिन मैंने ध्यान लगा करके देखा तुम नाटक नहीं कर रहा था, सचमुच से तू रो रहा था, है? इसलिए तेरे को माया समझना बड़ा कठिन है। इसलिए इतने में जब कृष्ण रो रहे थे, मैया ने पूछा लाला ये बताओ ये मटकी फोड़ी किसने? कृष्ण बोले सच्ची सच्ची बताओ ना झूठ बताओ। बोले झूठ क्यों, सच्ची सच्ची बता दे। बोले मैया जब तू दूध रखा करने जा रही थी ना और पैर में इतने मोटे मोटे कौरूले पहन करके रखी हो, वो कौरूले लग करके ये मटकी फूट गई। बोले देखो कितना दुष्ट, खुद मटकी फोड़े तो मैं मटकी फोड़ दी, हैं? यदि मैंने मटकी फोड़ दी, बोले बताओ ये बंदर को खिलाया किसने? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया, जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़े बात करते हो, बोले तुम बहुत बड़ा चोर हो गए हो। लेकिन कृष्ण बचपन में सुना था उनका एक मामा है जिसका नाम चोर गोप है। बोले मैं चोर, मैं नंद बाबा राजा का मैं बेटा हूँ, तेरे वंश में कोई चोर गुप होगा, मेरे पिताजी का वंश में कोई चोर है ही नहीं। बोले बाबा ये कहाँ से सुन लिया? बोले तू बंदर का दोस्त हो। बोले मैया अगर मैं बंदर का दोस्त है ना फिर मेरे को छोड़ दे, फिर बंदर को साथ में रहा करूँगा, फिर घर में नहीं रहूँगा मैं तो, बंदर को साथ में जंगल में रहा करूँगा। देखना बच्चे जब बड़े क्रोध में होना जो दिमाग में आए वही कर लेते हैं। अभी मैया ने देखा कितने कष्ट से एक बेटा जन्म हुआ है, अगर सचमुच से जंगल में गया तो फिर क्या होगा? अगर ना बच्चों का जो क्रोध है ना, थोड़ी समय में क्रोध, फिर थोड़ी समय बाद में फिर वो शांत हो जाते हैं। बोले थोड़ी समय इनके बांध करके मैं रख लेता हूँ, फिर कृष्ण शांत हो जाएगा तो खोल दूंगा। इतने में बोले तू खल अरे तो दू खल, दोनों मिल करके ये चोरी की, आज मैं दोनों को मैं बांधूंगी। जब मैया ने अपना चोटी से रेशम का रस्सी को निकाल करके जब बांधने के लिए गई ना, उसमें दो उंगलों का पड़ गया। मैया ने गोपियों को बोला और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी लाए, फिर गांठ लगाए तो फिर दो उंगल,
बोले और एक रस ले आ, फिर गांठ लगाई दो अंगुल तब। इतने में गोपियों ने कहा भैया तेरे लाला की ललाट में विधाता ने बंधन नहीं लिखा, तू कैसे बांधोगी। बोले क्या मैं नहीं बांध सकती हूँ, ये मेरे कोख से जन्म लिया है, मैं तो आज बांध करके रहूंगी छोड़ूंगी। ले ले और रस्सी तक ये सवेरे से शाम तक हो गया, सारी रस्सी समाप्त, लेकिन उसमें जो दो अंगुल है ना किसी तरह से ये दो अंगुल कमी नहीं हुई, किसी तरह से पूरी नहीं हुई दो अंगुल। देखो इधर ध्यान देने से मैया जब जब गांठ लगाया करती थी उसमें केवल दो अंगुल का, तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं, उसमें दो अंगुल। बोले क्यों, ये चीज को समझो फिर मैं पूछूंगा, देखूंगा कौन इसका उत्तर दे पाते हैं। ये दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, बोले जो पहला अंगुल है जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए कोशिश करता है, ठाकुर जी मेरे कैसे मिले, ठाकुर जी हमें कैसे मिले, कहते साधक का ये साधन चेष्टा है। बोले दूसरी अंगुल क्या है, बोले भगवान का कृपा, ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन भगवान हमारे ऊपर में कृपा कब करेंगे, इसको बच्चों को ना सामने आने मत दिया करना, एक व्यक्ति करोगे तो बच्चे को संभालो, इसलिए बच्चे सब चुपचाप बैठे, खड़े नहीं होना, सबसे बैठे चुपचाप। इसलिए जो दूसरा अंगुल है वो भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा, जब वो दो चीज मिलेगी ना तब जाकर के भगवान मिलेगी है, तभी जाकर के प्रभु मिलते हैं। इसलिए इसमें दो उदाहरण देकर समझाए, एक बंदर और एक है बिल्ली। आप लोगों ने बिल्ली देखे हो, कौन कौन बिल्ली देखे हो, देखना बिल्ली जब बच्चा जन्म देता है वो बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है, बिल्ली की माँ उसको मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ दिन में 10 बार करती रहती है। वहाँ पर बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, माँ जो कुछ करता माँ करती। आप लोग बंदर देखे हो, देखो बंदर, देखना बंदर का जो बच्चा है उसका माँ कुछ नहीं करती, बंदर का बच्चा उसको इसे पकड़ करके रखती है और वो यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ छलांग लगाती है। अगर बीच में बच्चा अगर छोड़ दिया ना ये बंदर का नियम, फिर बच्चे को उठाएगा नहीं, वो बड़ा कड़क है, फिर बच्चे को कभी नहीं उठाएगा, इसलिए उसको बच्चा पकड़ कर रखती है। इसमें ये रामानुजी संप्रदाय ने ये दो उदाहरण दिए। बोले भैया बिल्ली का उदाहरण मतलब क्या है, कोई कोई कहते हैं ना भैया उसकी इच्छा के बगैर पता भी नहीं हिलता है, हम क्या कर सकते हैं, जो होगा उसकी इच्छा से होगा। बोले नहीं, इच्छा से नहीं, सब तो उसकी इच्छा से होती है, लेकिन और जो बंदर का जो शिक्षा है वहां पर वो बंदर का बच्चा जोर करके पकड़ कर रखता है। मतलब है कोई कोई सोचते हैं नहीं हम तो अपना साधन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर ले अपना साधन से। बोले भैया ये भी काम करने वाला नहीं, ये भी काम नहीं होगा, दोनों ही फेल है। बोले फिर क्या करना पड़ेगा, बोले दोनों को मिला लो फिर काम हो जाएगा। जैसे बिल्ली, साधन तो तुम्हें करना पड़ेगा, साधन तुम्हें करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, ठाकुर जी का आरती उतारना पड़ेगा, तुलसी परिक्रमा करना पड़ेगा, ठाकुर जी को भोग लगाओ, सब कुछ करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, बोले बिल्ली जैसे। बोले ठाकुर जी हम तो साधन करे कर सकते हैं, लेकिन जब तक तेरी कृपा नहीं होगा ना ये साधन तब तक फलीभूत नहीं होगा, जब तुम्हारी कृपा होगी तभी ये साधन काम करेगा। बोले दोनों को मिला करके करना पड़ेगा, हाँ दोनों को मिला करके शरणागति हो करके भगवान की साधन भक्ति करना पड़ेगा, जा करके फिर क्या होगा, फिर भगवान बच जाएगा। देखो अभी मैया जसोदा सवेरे से लेकर शाम हो गई, लेकिन किसी तरह से कृष्ण को पकड़ नहीं पाई, कृष्ण को बांध नहीं पाई। जब किसी तरह से बांध नहीं पाई गोपियां खड़ी होकर खिली उड़ा रही, बोले भैया तेरे लाला की ललाट में विधाता ने बंधन नहीं लिखा, तो कैसे बांधोगी। बोले मैं तो बांध करके ही मैं रहूंगी, बांध करके मैं रहूंगी। इतने में जब किसी तरह से बांध नहीं सकी, फिर माँ जसोदा भगवान की शरण में, घर में जो सालग्राम भगवान थे उनके चरण में उन्हें शरणागति हो गई। बोले हे नारायण,
सवेरे से शाम तक हो गया, ये मेरे कोख से जन्म लिया, लेकिन मैं बांध नहीं पा रही हूँ, तू मेरी लाज को रखा कर। जब उन्हें शरणागत हो गई, कहते माता बड़ी श्रमम दृष्ट्वा कृपया असीत सुबंधने, माँ की शरणागति और चेष्टा को देख करके उन्होंने भगवान को बांधी नहीं, भगवान बंधन को स्वीकार की। किस चीज को हम बांध सकते हैं जो लिमिटेड हो, लेकिन भगवान तो अनंत असीम है, फिर उनको कौन बांध सकते हैं? केवल भक्ति को द्वारा ही भगवान का बांध सकते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, हर जोर से जयकार लगा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। जब कृष्ण को उन्होंने बांध दिए, बोले सवेरे से शाम तक तेरे पीछे सारे समय चला गया, अभी तू पढ़ा रहा, अभी मैं घर का काम करती हूँ। जब चली गई, इतने में कृष्ण का सखा लोग आ गए, बोले कन्हैया तू भी बंधन में पड़ गए हो आज, भैया बांध दी। बोले हाँ। बोले सखाओं खोल दो, अभी हम जाकर के खेलेंगे। सखाओं ने कोशिश की गांठ को खोलने के लिए, लेकिन वो खोल नहीं पाई। बोले क्यों? बोले वो जो बंधन है वो प्रेम का बंधन है। अरे कौन सा रस का? बोले वात्सल्य रस में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन खोलने कौन जा रहे हैं? बोले सख्य रस, उसका एक नीचे सख्य रस है। बोले कैसे उनको खोल सकते? खोल नहीं सके। इतने में कृष्ण ने सामने देखा, ये जमलार जो दो वृक्ष है, ये दोनों वृक्ष पहले ये कुबेर का दो पुत्र थे, नाल कुबेर और मणिग्रह। एक दिन ये दोनों बच्चे ये शंकर जी के जो बगीचा के रखवाली कर रहे थे, शराब पी करके अफसरियों को लेकर के विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। जब नारद जी उधर से जा रहे थे, इनकी जो अफसरियाँ थी नारद जी को देखे, पानी से निकल करके शरीर को कपड़े से ढक दी और पेड़ को आग में छुप गई। लेकिन ये जो दोनों थे ना, शराब पी रखे थे, आग लाल लाल, और कहाँ कुबेर का पुत्र है, धन का मद है, सुंदरता का मद है, हैं? इसलिए नारद जी को देख करके बोली बाबा को कोई काम धाम है नहीं, और हमारे रंग में भंग करने के लिए इधर आ गया, तेरे को और कहीं रास्ता नहीं मिली, यही रास्ता तेरे को मिली। नारद जी को आग फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। नारद जी ने देखा, देखो कहाँ स्वर्ग के कुबेर का पुत्र है और शराब पी करके नंगे होकर के जल विहार, फिर कोई साधु आ जाए, फिर क्रोध से देख रहे हैं। नारद जी इनके ऊपर में कृपा करने के लिए अभिशाप दिया, बोले जाओ, जैसे वृक्ष जैसे नंगे रहते हैं, तुम नंगे हैं ना, तो वृक्ष जन्म को प्राप्त करो। इतना बोलते ही धीरे धीरे प्यार से धीरे धीरे पेड़ होना शुरू हो गया, सारे नशा उतर गए। क्यों? ये जो पेड़ जन्म है ना, बड़ा दुखमय जीवन है, पानी भी नहीं मांग सकता है, धूप सर्दी गर्मी और कोई काट करके ले लेते हैं, है? बड़ा कष्टमय जीवन ये वृक्ष जीवन है, सारे नशा उतर गया। फिर उन्होंने नारद जी के चरण में शरणागत हो गए, प्रभु बताओ हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले तुम्हें मुक्ति मिलेगी द्वापर युग में, जब कृष्ण आएंगे तभी तुम्हारी उद्धार होगी कृष्ण का चरण स्पर्श से। अभी नारद जी की वाक्य रक्षा करने के लिए कृष्ण सखाओं को बोले एक काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मारो। अभी सखा लोग धक्का मारते गए, कृष्ण दोनों वृक्षों को बीच में होते हुए निकल गए। जब निकल गए, अभी उखल अटक गई तो कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए। जब ताकत लगाए, इतने में दोनों वृक्ष दोनों तरफ से धराम करके दोनों वृक्ष गिरे, और इतने जोर से गिरे दोनों वृक्ष, पूरा जैसे ब्रज में टहलका मच गई। इतने में दोनों वृक्ष से ये नाल कुबेर और मुनिग्रह, ये दोनों को उद्धार हुआ, ये दोनों प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण को परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए उन्होंने दक्षिण दिशा में चले गए। इतने में इतने जोर से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। इतने में नंद बाबा मैया जसोदा दौड़ दौड़ करके आए और देखा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में फंसे पड़े हुए।
अगर थोड़ी सी वो पेड़ इधर उधर हो जाता है तो कृष्ण को ऊपर नहीं गिर पड़ता। इतने में नंद बाबा आए, आकर उन्होंने कृष्ण का जो बंधन था उसको खोल दिया। बोले कैसे? बोले बंधा किसने? बोले माँ ने। खोला किसने? नंद बाबा ने। क्यों? ये दोनों ही बात्सल रस के हैं, इसलिए बात्सल रस वाले उसको खोल सकते हैं। एक बार घर वाले ना सर गड़बड़ कर दिए, हरि बोल मम्मी तुम लोग ना ज्यादा गड़म, सारे घर वाले से बोल 10 बार उठो 10 बार जाओ, हाँ पैर में खुजली बज रहा है सर, आगे ज्यादा इधर उधर मत जाया करो। अभी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। जैसे बीच में कीर्तन होगी ना, कीर्तन में उठ करके जो बाकी काम है कीर्तन में ही खड़े रहना, बीच में उठना नहीं, ठीक है? याद रहेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में नंद बाबा भागते भागते आए और उन्हें कांत को खोल दी। खोल करके पकेट से एक लड्डू निकाल करके कृष्ण को दे दिया। देखना बच्चों का ये स्वभाव, क्या स्वभाव है। अगर पिता अगर मारे नहीं तो माता अगर मारे ना तो चुप रहेगी, अगर पिताजी थोड़ी स्नेह दे दे थोड़ी सी गोद में ले जाए ना, देखना बच्चा रोना शुरू कर देगा। ये बच्चों का स्वभाव है। अभी तक तो कृष्ण चुप थे, भैया ने बांधी, लेकिन जब बाबा आकर के गांठ को खोल दी और पकेट से एक लड्डू निकाल करके दे दी ना, इतने में कृष्ण तो शिशक शिशक करके रोना शुरू कर दी। जब रोने लग गए नंद बाबा ने पूछे, बोले बांधा किसने? बोले माँ। बोले खोला किसने? बोले बाबा। बोले खूब माँ 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 करते रहते हो, बताओ अभी किसको पास में रहोगे? बोले बाबा को पास में रहूँगा, मैया के पास में जाऊँगा नहीं, मैया तो मेरे को मारती रहती है। इतने में मैया जसोदा आ गई, आ गई तो नंद बाबा ने माँ को तो बड़ी डांट लगा, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कुछ नहीं, कितने कष्ट से कितने तपस्या करके कितने व्रत करके बूढ़ी उम्र में हमें एक बेटा जन्म हुआ और एक दो मटकी तो फोड़ा और तो कुछ है नहीं, और उसको तुमने उखल में बांध दी। नारायण का कृपा से ये वृक्ष कैसे दोनों तरफ में गिरे, अगर सीधा गिरते तो आज तो हमारे लाला का राम नाम सत्य हो जाता। कैसे नारायण ने कृपा से बच गया, लगता है तेरे को दही दूध और मटकी में बड़ी आसक्ति है तो उसको लेकर के रहा कर, मैं तो कृष्ण बलराम को लेकर के मैं जा रहा हूँ तीर्थ करने के लिए। इतने में मैया इतने दुखी हो गई, अपनी आप को गाली देने लग गई, बोले इन्हीं हाथों में कूड़ व्याधि क्यों नहीं हो गया, आज इन्हीं हाथों से लाला को मैंने बांध कैसे दिया है। इतने में नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर ब्रह्मांड गाठन गए, दोनों बालक को स्नान कराया और धारस्म दूध जानते हो, गैया को जब दोहन करना, माइक वाले थोड़ी तेज कर सकते, जब दोहन कर देखना वो दूध गर्म होता है और वो दूध बड़े पुष्टिकारक होता है, उसी समय दूध को पियो सारे प्रोटीन उसमें रहता है। अब जब पियो ऐसे गैया से दूध निकाल करके वो दूध बड़े मीठा और पुष्टिकारक, बोले उसमें नंद बाबा ने उसमें मिश्री मिला करके कृष्ण बलराम को पिला दी, पिला करके शाम को घर पर वापस आए। जब वापस आए मैया जसोदा तो बड़ी दुखी हो गई, मैंने कैसे लाला को बांध दी। घर की एक कोने में मैया बैठी बैठी करके रो रही थी और नंद बाबा शाम को आए कृष्ण बलराम को लेकर के, और घर की एक कोने में लेकर के कृष्ण बलराम को बैठ गए। जब बैठ गए अभी घर में लड़ाई हो गई, नंद जसोदा में लड़ाई हो गई, अगर दोनों में लड़ाई हो उसको मीमांसा कौन करेगा? कहते तो उसको मीमांसा कोई बीच वाले कोई व्यक्ति हो ना तभी उसको मीमांसा कर सकते हैं। बोले भैया बीच वाले व्यक्ति कौन? बोले रोहिणी। बोले ये रोहिणी कौन है? बोले ताऊ भैया का श्री बलराम प्रभु का माँ का नाम रोहिणी। अभी रोहिणी ने देखा इसको मीमांसा कैसे किया जाए, अगर कृष्ण को नंद बाबा का गोद से उठा करके अगर जसोदा की गोद में लौटा दिया जाए फिर उनकी झगड़ा शांत हो जाएगी। इतने में कृष्ण रोहिणी आकर के
श्री बलदेव प्रभु को बोले, बोले बलदेव के काम कर, कृष्ण को पिताजी की गोद से लेकर के माँ की गोद में छोड़ दे, सारी लड़ाई शांत हो जाएगी। इतने में बलदेव प्रभु गए, बलदेव प्रभु जा करके उन्होंने कृष्ण को बोले, बोले कन्हैया चल माँ के पास में चल। बोले मैं नहीं जाता हूँ। बोले क्यों? बोले भैया मेरे को मारती रहती है, पिता तो मेरे को बड़ा प्यार करते, मैं तो बाबा के पास में रहूँगा, मैया के पास में नहीं जाऊँगा। इतने में जब बलदेव प्रभु हाथ को पकड़े, बोले मैया के पास में जाओ, इतने में कृष्ण ऐसे एक झटका मारे और कृष्ण गिर गए। जब गिर गए, रोहिणी आकर कहती, बोले कन्हैया तो माँ की गोद में नहीं जाओ? बोले नहीं जाऊँगा, माँ मेरे को मारती है। बोले अगर मैया की गोद में नहीं जाओगे तो ये बताओ फिर दूध कहाँ से पियोगे? दूध तो बाबा के पास में नहीं मिलेगा, दूध तो माँ के पास में मिलेगा, फिर दूध कहाँ से पियोगे? बोले माता जी धारस न दूध में मिश्री मिला करके मेरे को पिला देगी। बोले खेलोगे किसको पास में? बोले दाऊ भैया को पास में। बोले सोगे कहाँ पर? बोले कृष्ण का एक स्वभाव था, जब तक माँ की गोद में नहीं सोएगा ना उसको नींद नहीं आती। बोले सोगे किसको पास में? बोले बाबा की गोद में मैं सो जाऊंगा, हैं बाबा की गोद में सो जाऊंगा। इतने में मैया रोहिणी बोली, अगर माँ के पास में नहीं जाओगे, अगर माँ ऐसे हो गई तो, मतलब अगर माँ मर गई तो फिर क्या होगी? जब उन्होंने बोले माँ मर जाएगी अगर मैं नहीं जाऊँगा, फिर तो कृष्ण को रहा ही नहीं गया। फिर उन्हें पिताजी की गोद से खड़े हो गए और माँ 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 करते करते सीधा मैया की गोद में लेट गई। और मैया तो कन्हैया को गोद में पा करके फूट 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 करके मैया ने रोने लग गई। और वहाँ जितने ब्रजवासी थे ना, ये लीला को देख करके सबके सब रो गए। इसलिए श्री सत्यव्रत ऋषि कहते हैं, बोले इति द्रेके सलीला भी रानंद कोटे शोभ समीमा जनता करिए गोस्वामी कहते, जो भगवान की नाम जब करना शुरू करता है उसको तीन दिन काम अपने आप हो जाता है। बताओ किसको याद है? कोई एक बात बताओ, याद है? कौन बोलेगा? हे भगवान, हाँ हाँ मैया को याद है, एक बात याद है। अब फिर बोलता हूँ, फिर कल पूछूंगा। रूप गोस्वामी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम जब करना शुरू करते हैं, कहते नरक में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं।
बोले रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम यहाँ से काट दो, ये कभी नरक में कभी नहीं आएगा। दूसरा कहते गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है रजिस्टर लाओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम रजिस्टर में लिख दो, क्योंकि प्रभु का नाम जप कर रहा है ना, अभी वो सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। बोले तीसरा काम किया, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले जब ये व्यक्ति भगवत धाम को भूर भुव मोह जना तप सत्यलोक हो जाएगा, उसको बीच में उसका आरती उठाना। मतलब कितने भाग्य है जो भगवान के नाम को ग्रहण करता है। देखो भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ ये भगवत नाम को कौन ले सकता है? बोले अहो वत सपोच अतो गैया जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। देखो यहाँ पर भगवान कहते हैं माँ अहो, अहो मतलब क्या है? जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम आश्चर्य हो जाते ना, क्या आश्चर्य, क्या आश्चर्य। इसलिए भगवान कपिल देव कहते हैं माँ अहो, मतलब जो व्यक्ति भगवान के नाम लेता है। बोले कैसे? बोले जिह्वा ग्रे, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, बोले जिह्वा की अग्रदेश में जो भगवान के नाम लेता है वो चार काम पहले पूर्व जन्म में कर लिया होता है। बोले कौन सा? बोले सारी तपस्या कर चुका है, सारे दान कर चुका है, पृथ्वी का सारे तीर्थ में भ्रमण कर चुका है और बड़े से बड़े यज्ञ कर चुका है। माँ तभी इसी जीवन में बोले केवल जिह्वा के अग्र में जो नाम जप करता है। बोले भैया जिनका पूरा जिह्वा भगवान का नाम लेता है, बोले भैया उसकी महिमा तो हम बता नहीं सकते। बोले जो व्यक्ति दोनों कानों से भगवान की कथा, बोले और पुण्यात्मा। बोले जो ना हाथों जो ठाकुर को सेवा करते हो तो बहुत पुण्यात्मा। दो व्यक्ति दोनों चरण से चलते चलते जो कथा में आए, बोले भैया उनका भाग्य तो हम बता ही नहीं सकते। बोले जो हृदय में प्रभु को स्मरण करते हैं, बोले और वो भाग्यवान। इसलिए कहते हैं अगर वो चटाल क्यों नहीं हो, अगर प्रभु का नाम जप करते हैं बड़े पुण्यात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा। इसलिए आप लोग सबके सब क्या करना, भगवान की नाम जप करना। कल मैं बता रहा था ना चार गुरुओं की, कलकत्ता में कौन कौन थे? चार गुरु में सबसे सबसे कौन सा गुरु साथ में गई है? छोटी वाली है ना, छोटी वाली क्या थी? भगवान की नाम, भगवान की नाम। जिस बहू को उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया, लास्ट में वही बहू गई। और जिन जिन को प्रेम करता था, कोई दरवाजा तक, कोई शमशान तक, कोई दूसरे से शादी कर ली और कोई जहाँ के तहाँ रह गई। इसलिए भैया कोई साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए सवेरे उठ करके संतों का कहना है, सौ काम छोड़ करके काम करो, हजार काम छोड़ करके अपना भोजन करो, लेकिन करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, ठीक है ना। इसलिए मेरे पीछे पीछे सबके सब भगवान के नाम जप करो। बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्णा हरे Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hare
ये जमलाजन वृक्ष को तोड़े अभी जितने ब्रजवासी थे ना सबके सब इकट्ठे होकर के मीटिंग की। बोले देखो पहले तो पुतना आ गई, फिर सकटासुर, त्रिनावर्त, फिर ये सबके सब दैत्य आ गए। अभी देखो अभी ब्रज का जो पेड़ है ना ये भी अपने आप टूट टूट करके लाला गोबर गिरने लगा। मतलब लगता है जो ब्रज है ये संपूर्ण रूप में हमारी विरोध और कृष्ण का विरोध बन गए। लगता है ये गोकुल में नहीं रहनी चाहिए, हमें और कहीं चली जानी चाहिए। इतने में जो सबसे बड़ा गोप उपानंद था बोले देखो ये पास में एक सुंदर स्थान है जिसका नाम वृंदावन है, जहाँ पर सुंदर कलकल नाद से जमुना बह रही है, गैया को खाने के लिए बड़े सुंदर घास है, बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर मैदान है। हम चलो हम सबके सब चले जाते हैं श्री वृंदावन चले जाते। बोले कल क्यों, आज ही चलो, डिंडरा पिटवा दो, सारे ब्रजवासी तैयारी हो जाए और सबके सब वृंदावन चले। सारी ब्रजवासी तैयारी हो गई और सबके सब गैया और बछड़े और जितने बड़े बूढ़े थे उनको बैलगाड़ी में बैठा दिए, बैठा करके और जितने जवान थे धनुष बाण लेकर के सबके सब वृंदावन यात्रा कर रहे। और एक बैलगाड़ी में रोहिणी, जसोदा, कृष्ण और बलराम एक बैलगाड़ी में। अभी कृष्ण को उम्र है 3 साल 2 महीने की। अब देखना बच्चों का स्वभाव, जो चीज़ देखो वही पूछे, जो चीज़ देखो वही पूछे। जब थोड़ी दूर गए इतने में कृष्ण ने मैया से पूछ ले, मैया मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसमें बड़े बड़े दाढ़ी है। बोले लाला इसका नाम बरगद पेड़ है। बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ जिसके सारे पत्ते हिल रहे हैं। बोले लाला ये पिपल वृक्ष है। बोले मैया मैया देख देख बड़े सुंदर कितने चिड़िया कैसे कुहू 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 कितने मीठी मीठी बोली बोल रहा है। बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है। बोले इसका नाम कोयल। और थोड़ी दूर गए बोले मैया मैया देख कितने सुंदर चित्र विचित्र चिड़िया है, मैया इसका नाम क्या। बोले मोर। बोले मैया एक का तो पूछ और एक का पूछ नहीं, मैया ये क्या है। बोले जिसका पूछ है ना वो पुरुष है और जिसके पूछ नहीं है स्त्री। बोले मैया एक दूसरे को क्या लगे। बोले जो बिना पूछ वाली ना ये पूछ वाली की बहू है। और थोड़ी दूर गए बोले मैया देख कितने सुंदर जानवर है, शरीर में कितने सुंदर चित्रकारी। बोले मैया ये जानवर का नाम क्या। बोले इसका नाम हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग और एक का सींग नहीं। बोले मैया ये क्या है। बोले जो सींग है ना ये पुरुष है। बोले जो सींग नहीं बोले ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे हैं। बोले जो सींग वाला है ना कहते तो बिना सींग वाले की ये स्त्री लगती है, बहू लगती है। बोले मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है, इसलिए मैया मेरे लिए भी एक बहू, मेरे लिए भी एक बहू ला दो। बोले लाला कोई चिंता मत करो, तेरे लिए भी चलो तुम वृंदावन में चलो, तेरे लिए भी एक बहू में ला दूंगी। इसलिए कभी कभी कृष्णा मचलते हैं बोले भैया मेरे ताए के बहू ला ले, बहू ला दे। बोले बहू कैसे होनी चाहिए। बोले मेरे से लंबी नहीं, मेरे कंधे तक होनी चाहिए। हरे कृष्ण। इसलिए बोले मैया जी कहते देखो तो मेरी जो बहू है ना मेरे से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, और नाक सुख पति जैसा होनी चाहिए और थाला भर भर कर खिलाए। अगर कभी मैं तेरे साथ में लड़ू ना, कभी अगर बहू को साथ में लड़ू तेरे पास में शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी कभी कृष्ण भी बहू के लिए कृष्ण कभी कभी मचलते हैं। इसलिए कृष्ण अभी वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में आते हैं कहते जो वृंदावन भूमि ये कोई साधारण भूमि नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या भृतत सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सतसम भ्रम सेव्यमानम गोविंदंगमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा कह रहे हैं बोले वृंदावन धाम कैसे हैं
बोले चिंतामणि, जो भूमि वो भूमि नहीं वो चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो मांगो वही भेजा। बोले वहां का वृक्ष कैसे? बोले कल्प वृक्ष है। बोले कल्प वृक्ष मतलब क्या? उसको नीचे बैठ करके जो मांगो वो वृक्ष तुम्हें वही देगा। बोले वहां का पानी कैसे? बोले पानी नहीं, बोले त्वयम मृतम, वो पानी अमृत है। यदि वहां पर अगर कोई चलता है वो लगेगा जैसे बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है, अगर वहां पर कोई बोलता है लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई भजन गा रहे हैं, बड़े सुंदर कोई भजन गाते। बोले जो पानी, बोले पानी नहीं वो अमृत है वहां पर है। इसलिए कहते हैं ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, और डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे हुई। इसलिए वृंदावन दिव्य धाम है, हैं? ये वृंदावन दिव्य धाम, ये वृंदावन है क्या चीज? बोले राधा रानी स्वयं कृष्ण के लिए अपना हृदय को उन्होंने बिछा करके रखे हैं। ये वृंदावन को राधा रानी की हृदय श्री ये वृंदावन धाम है। कहती है वृंदावनी ऐसे के धाम है वृंदावन, भगवान हर अवतार में भगवान ने पादुका ग्रहण की, लेकिन एक कृष्ण हुए हैं नंगे प्यार में वृंदावन में भ्रमण किए हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं वृंदावनम सखी भुव पितन तो कीर्ति। बोले देखो ये वृंदावन कितने धन्य है, जब कृष्ण नंगे प्यार में चलते हैं। कहते वो जो घास, बोले घास नहीं, मानो ये वृंदावन धाम कृष्ण का स्पर्श पा करके जैसे उनका रोगों के खड़े हो गए। बोले जो झरना, बोले झरना नहीं, जैसे आंखों से प्रेम से ये असुर वर्षित हो रहा है, हाँ ये असुर वर्षित होता है। इसलिए ये वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा है। इसलिए जिस समय कृष्ण अभी बछड़े चराने के लिए कृष्ण जाएंगे, मैया ने बोले लाला तेरे लिए दो जूती और एक छतरी बना देती हूँ। बोले मैया हम गोपाल है, गैया हमारी इष्ट है, हमारे जो इष्ट गैया उनकी छतरी और जूती नहीं, हम उनकी सेवक हो करके ये छतरी जूती कैसे धारण करेंगे? अगर मेरे लिए छतरी जूती बनाओगे ना, हर गैया के लिए पहले चार चार जूती और एक एक छतरी बना दे, फिर तो मेरे लिए भी बना देना। इसलिए वृंदावन, अभी भी वृंदावन में आप देखोगे एक चरण पहाड़ी वहां पर है, नंदगांव में भी है चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी तो बहुत सरकार में बनी हुई चरण पहाड़ी। इसलिए भगवान जब बंसी ध्वनि, जब भगवान बंसुरी बजाया करते थे, जिस बंसी ध्वनि सुन करके कहते जो आकाश में मेघ छा जाती थी और उनको ऊपर में रिमझिम रिमझिम बारिश करती थी, कहते वृक्ष से फूल से मधु झरना शुरू हो जाती थी, और कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके अभी भी वृंदावन में देखोगे कृष्ण का पत्थर ऊपर में अभी भी इतने बड़े बड़े चरण चिन्ह, इतने बड़े बड़े चरण चिन्ह अभी भी वृंदावन में। देखो एक अच्छी कथा सुनाता हूँ। एक समय कृष्ण ने बंसरी बजाए, जब बंसरी बजाए अभी राधा रानी को सखियाँ श्रृंगार कर रही थी, अभी सारे श्रृंगार हो गए, अभी केवल राधा जी की आंखों में काजल लगाना, इतने में कृष्ण बंसरी बजाए और राधा रानी कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी होकर के भागते भागते आए। कृष्ण ने देखा राधा जी के तो सारे श्रृंगार ठीक है, लेकिन अभी आंखों में इनकी काजल नहीं है। कृष्ण अपना हाथों से राधा जी की आंखों में काजल लगा देते हैं, लगा करके जिस पत्थर को ऊपर में बैठा करके लगाए, काजल लगा करके वो हाथ को वो पत्थर के ऊपर में घिस दिए, घिस दिए तो अभी भी ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम आज नव, अभी भी वो पत्थर रखा हुआ है। अब वो पत्थर को आप रगड़ोगे ना, देखोगे अभी भी वो पत्थर से काजल अपने आप निकलता है। मतलब ब्रज में ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत ब्रज में स्थान है, अभी भी कृष्ण लीला की प्रमाणता देता है, कृष्ण यहाँ पर लीला की है। इसलिए गोवर्धन में अभी भी पत्थर को रगड़ना, कृष्ण जहाँ पर पत्थर से राधा रानी के चरण में मेहंदी लगाई थी, अभी भी वो पत्थर को विश्व पर मेहंदी लगाई थी, अभी भी पत्थर से कृष्ण लीला को अभी भी प्रमाणित करते हैं। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में आए, कृष्ण एक दिन मचले गए, बोले पिताजी
अभी हम कृष्ण बलराम दोनों भैया बड़े हो गए, आप वृद्ध हो चुके हो, अभी आपको भैया चरण का जरूरत नहीं, आप घर में रहो और भजन पूजा पाठ करो। हम दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी हम जाते हैं भैया चराने के लिए। अगर कोई बच्चा पिताजी को ये बात बताए, बताओ पिताजी का मन क्या होगा, बताओ क्या होगा, खुश हो जाएगा ना। देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, पिताजी को कहते वृद्ध हो गए घर में रहो, भजन करो पूजा पाठ करो और हम दोनों काम करते, पिता पिता खुश हो जाए, कितने प्रसन्न हो जाएंगे। नंद बाबा का हृदय तो एकदम प्रेम में गदगद हो गया, नंद बाबा का हृदय उनको रोमांचित हो गया, आंखों से आंसू बहने लग गए, मेरे लाला कितने अच्छे हैं लाला। लेकिन कृष्ण का उम्र कितने, 4 साल के, कितने साल के, अभी 4 साल के। बताओ 4 साल के बच्चे कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान है, होने का नाते कृष्ण को जब 3 साल वो लगता था 6 साल, कृष्ण जब 6 साल लगता था 9 साल के, जब 9 साल के लगते थे 12 साल के, क्यों, वो भगवान। दूसरी बात है खूब मक्खन मिश्री राबड़ी दही और दूध खा खा कर, अब देखना जो ज़्यादा पैसा वाला घर के बच्चे होते ना, कम उम्र में देखना लंबे चौड़े दिखते, कम उम्र में की उम्र जैसे लगता है बहुत उम्र है। अभी कृष्ण मचले गए, नंद बाबा बोले तेरे को हमारी घर में नौकर चाकरी कमी नहीं, अभी तुम घर में रहो, अभी ये सब करने का जरूरत नहीं। बोले नहीं पिताजी हम तो जाएंगे। इतने मचले गए, सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले एक अच्छा मुहूर्त निकालो जिसमें हमारे लाला दोनों गैया चराने नहीं, बोले बछड़े चराने चराने नहीं, आस पास में जाना और घूम घाम कर वापस आ जाना। तभी कृष्ण बलराम दोनों भैया बड़े सुंदर श्रृंगार करके इनको घर घर में मालपुआ खीर बनवाए। अभी वो लीला नंदगांव होता है, नंदगांव में एक डेढ़ कदम है, अभी भी कृष्ण बलराम वहीं से बछड़े चराने के लिए भगवान वहीं से चलते हैं। मैया कहते हैं लाला तेरे को देखे बिने बिना मैं अपना जीवन कैसे धारण करूँ, हैं। फिर कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मैं जब खेलने के लिए जाता था घर से बाहर, तभी तो तू घर में रहती थी, तब मेरे को कैसे छोड़ती थी। बोले लाला जो बच्चों को साथ में तू खेलता था, देखना बच्चे लोग किलकारी मारते हैं, क्या तुम्हारी किलकारी सुन करके घर में मेरे को सांत्वना मिलती थी। लाला पास में और किलकारी मार रहा है, उनकी आवाज़ मेरी कान में आ रही है। कृष्ण ने कहा मैया मैं जितने दूर बछड़े चराने के लिए क्यों नहीं जाऊँ, उतना दूर से इतने जोर से मैं किलकारी मारते रहूँगा, तुम घर में बैठी बैठी करके तो सुनते रहोगे। इसलिए नंदगांव में एक स्थान है उसका नाम टेर कदम, टेर मतलब बुलाना, कदम मतलब कृष्ण जिस कदम वृक्ष के ऊपर में चढ़ करके टेर लगाया करते थे, आवाज कर लेते थे, कभी कभी बंसुरी बजाया करते थे, कभी कभी गैया को बुलाते थे, कभी कभी गोपियों को बुलाया करते थे। इसलिए कृष्ण जब बछड़े चराने के लिए गए, भगवान उन्होंने बकासुर को बध किया। बोले भैया बकासुर कौन है, बोले ये कपट है। भगवान शिक्षा देते हैं अगर मेरे को हृदय में बैठना चाहते हो पहले बकासुर को बध करो। आप लोग ने बगुला देखे हो, कौन कौन बगुला देखे, हाथ उठाओ तो। आप देखना बगुले को जब वो पानी में खड़ा रहता है एक टांग को ऊपर में, एक तीर भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण देख भैया ये बगुला एक प्यार में खड़ा हुआ एक ध्यान से पानी को ऊपर में, लगता है मानो जैसे बहुत बड़े कोई ऋषि बनी है। तब से लक्ष्मण गुरु है ना, गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकार रूकार तस्य निरंतर, जो शिष्य के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो दिव्य आलोक को संचार कर दे, कहते गुरु है, लक्ष्मण गुरु तत्व है। बोले भैया ये बगुला कितने बड़े साधु, अगर ये मछली को पूछोगे ना ये मछली सारी बात बता देगा, बगुला एक प्यार में नहीं बड़ा रहता है, ये मछली को पता नहीं चले यहाँ पर कोई पड़ा है, अगर सामने मछली आए ना झट पकड़ करके निकल लेता है, हैं। इसलिए ये बगुला कौन है, ये कपट है, इसलिए भगवान ये कपटता को दूर करते हैं।
एक तीन प्रभु सखाओं के साथ में गैया चराते चराते गए, इतने में अघास हुआ गया। अघ मतलब पाप, बड़ा मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। इतने में छोटे छोटे सखा लोग देख कर के डर गए। इसलिए यदि अघास आ गया, अघ मतलब होता है पाप, अघ होता है पाप, मुंह फाड़ कर बैठा हुआ था, कृष्ण को खाने के लिए मुंह फाड़ करके ये बैठा हुआ था। इतने में सखा तो देख डर गए, छोटे छोटे बड़े बड़े बोले, अरे इतना बड़ा कभी सांप थोड़ी हो सकता है। बोले अगर सांप हो तो बोले चिंता क्यों करते हो, जैसे बकासुर को मारा कृष्ण अघासुर को मार डाले। इतने में अंदर में चले गए। अभी अघासुर सोच रहा था ये सबके सब मुंह में आ जाए, मैं मुंह बंद कर दूं। लेकिन कृष्ण जब अंदर में गए, अपना शरीर को उन्होंने इतना बड़ा बनाया, वो मुंह बंद कर दिया। भगवान उसको मुंह में भर गए पूरा की पूरा, वो बंद नहीं कर पाया। इतने में उसका ब्रह्म तालु फट गई और उसने अपना प्राण को त्याग दिया। जब त्याग दिया, देवताला को देख करके भगवान की जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जोर से जयकार लगाओ। देवता भी जयकार दे रहे, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। यदि ये जयकार ये ब्रह्म लोक तक पहुंचा, ब्रह्मा जी देखा भैया ये देवता लोग इतने जय जयकार क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा उतर कर क्या है और देखा कृष्ण इतना छोटा बच्चा और इतने बड़े राक्षसों को मार डाले। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा, जब उन्होंने मारे उससे एक ब्रह्म ज्योति निकली और वो ज्योति निकल करके उन्होंने कृष्ण को शरीर में समा गया। ब्रह्मा बोले भैया ये बालक देखो, ब्रह्म ज्योति भी जिनके शरीर में समा गया, मतलब क्या है। बोले ये कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण ब्रह्म नहीं, ये कृष्ण परम ब्रह्म, कृष्ण परम ब्रह्म। इसलिए वेद कहता है जत अद्वैत ब्रह्मोपनिषदम तत्पश्य तनुवा, जिनको ज्ञानी लोग निराकार निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म क्या है। बोले ये भगवान की अंग कांति ही ये ब्रह्म है। अभी ब्रह्मा तो चक्कर में पड़ गए, अभी कृष्ण सखाओं को साथ में वन भोजन कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी कृष्ण का बछड़े को उन्होंने चोरी कर दिया। सखाओं ने बोले भैया बछड़े यहीं देखा गए था, बोले अब ढूंढते हैं। कृष्ण बोले मैं देखता हूँ, जब गए ना इधर दिया हुआ ब्रह्मा ने सखाओं को भी चोरी कर दिया और एक गुफा में बंद कर दी। फिर ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, कृष्ण ब्रह्मा पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं पहुंच गए और उनका जो दरबार थे ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रूपियों को घूमते हुए, अगर कोई आए तो अंदर में घुसने मत दिया करना। कृष्ण ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मा की गद्दी पर कृष्ण बैठ गए। जब ब्रह्मा गए, उनका जो दरबार थे ना वो तो उसको मारने के लिए भगे, बोले तू कहाँ से आ गया, हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए, प्रभु सही बचा रहे थे, मेरे जैसे को जो बहु रुपया घूम रहे हैं, हमारे तो प्रभु अंदर में। ब्रह्मा देखा भैया फिर मेरे गति को कौन दखल कर लिया, ध्यान लगाया ना कहते भगवान स्वयं उनका ब्रह्म पद को दखल कर दिए, जिसने कृपा करके उनको ब्रह्म पद दिया था। फिर ब्रह्मा वहां से उतरे गए और उतरे करते करते इसी मरते जगत में हो गया एक साल। एक साल को बाद में जब आए, कृष्णा पहले जैसे सखाओं को साथ में गैया बछड़ों को साथ में लीला कर रहे थे, प्रभु अभी भी वैसे लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा चकरा गए, बोले उनको तो मैंने एक गुफा में बंद करके रखा, फिर यहाँ कैसे आ गए, उनको तो मैंने गुफा में बंद करके रखा, गुफा में देखे, बोले नहीं वो तो जैसे के तैसे है। तब ब्रह्मा जी एक साथ में दोनों तरफ में देखे, भगवान अपना विभूति दिखाया, देखो ये बछड़े सखा है को देखा, सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण नारायण नारायण, आप ब्रह्म स्तंभ, उन्होंने केवल भगवान 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 देखा। फिर तब ब्रह्मा समझ गए ये जो कृष्ण है ना, ये मेरे बाप की बाप की बाप की बाप है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को
40 श्लोक में स्तुति करते हैं। एक दो श्लोक हम लोग सुनेंगे, ठीक है। इनकी जो पहला श्लोक है, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणी। देखो ध्यान देकर सुनो, ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे हो, इसको कौन बोल रहा है, कौन बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा ये श्लोक को बोल रहे हैं। कहते ये कृष्ण है कौन, आप लोग भी ध्यान देकर सुन लो, क्योंकि कभी कभी है ना, कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोले भैया ये देवता कौन है, ये नारायण कौन है, ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, कभी कभी ना इसी विषय पर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये ब्रह्मा जी ये श्लोक कह रहे, ध्यान देकर अच्छे तरह से सुनो, मन लगा कर सुनो, कृष्ण कौन है। ये एक बृहदारण्य उपनिषद में आता है, एक समय भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे प्रभु खड़े हुए थे। अभी प्रभु की इच्छा हो रही है लीला करने के लिए, प्रभु की इच्छा हो रही है लीला करने के लिए, लेकिन अकेले तो प्रभु लीला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कृष्ण की जो बाम अंग से वो खड़े हुए थे रास मंडल में, उनकी बाम अंग से एक अद्भुत दीप्त एक ज्योति इनकी बाम अंग से प्रकट हुई। यदि ये कौन प्रकट हुई, बोले श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, इसलिए वो रास से प्रकट हुई, इसलिए इसका पहला अक्षर हुआ रा। और वो प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करने के लिए, कृष्ण को पूजा करने के लिए धावित, धावित मतलब दौड़ी, वो दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया रा और धा, मतलब एक से वो दो हुए। इसलिए राधा रानी से ये जितने शक्तियां हैं, उमा रमा सत्या सची दुर्गा चंडी की जितने शक्ति है, ये सबके सब सिर्फ राधा रानी से प्रकट होती है। इसलिए जो राधा रानी ये भगवान की स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति है, परा शक्ति है। इसलिए जब हम श्री राधा रानी को पूजा कर देते हैं, एक शक्ति नहीं अनंत करोड़ों शक्तियों की पूजा अपने आप हो जाती है। अरे हमें दर दर नहीं भटकनी चाहिए, आज इसकी देवी को पूजा करे, वो देवी को पूजा करके, वो देवी को पूजा करे, क्योंकि राधा रानी सही ये सारे शक्ति, ये भगवान के पराशक्ति स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति, ये भगवान की राधा रानी। अभी इनके टाण अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, यदि ये बलदेव प्रभु से यदि उसमें शंकर से उसमें चतुर्भुज प्रकट हुए, उससे तीन विष्णु प्रकट हुए हैं। ध्यान देकर सुनो, ये तीन विष्णु क्या है, कहते एक है कारण दशाई विष्णु, एक है गर्भ दशाई विष्णु, और एक है ये खिलाफ दिशाई विष्णु। कहते उनसे ये तीन विष्णु प्रकट हुए, बोले भैया हमने सुना विष्णु एक, आप तो तीन बता रहे, देखो ये तीन विष्णु का क्या क्या काम, देखो। इसलिए जो कारण दशाई विष्णु है, यही विष्णु जब माया को प्रति दृष्टि करती है, तब भगवत इच्छा से माया खोभित होकर के एक ब्रह्मांड नहीं, वो अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि करती है, अनंत ब्रह्मांड। इसलिए कृष्ण की एक एक लोम रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। अभी उसमें एक जो विष्णु थे, जो गर्भ दशाई विष्णु, बोले इन्होंने क्या किया, बोले हर ब्रह्मांड में अपना शरीर की पसीना से आधा से ब्रह्मांड को भरे, और जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जन्म हुए, ये कहते ये गर्भ दशाई विष्णु। कहते ये खिराब दशाई विष्णु कौन है, बोले प्रत्येक जीव का अंदर में एक अंगुष्ट परिमाण में जो एक परमात्मा रहते हैं, कहते ये खिराब दशाई विष्णु है, और एक रूप शेष है जिसको ऊपर में भगवान अनंत देव जिसको ऊपर में शयन करते हैं। इसलिए ये कृष्ण कौन हुए, ब्रह्मा जी कहते हैं अनादि, उसका जो आदि है, ये कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र, भले श्री कृष्ण का नहीं लाल की। इसलिए कृष्ण को बताए कि जो सोलह कला में जो परिपूर्ण है ना, केवल कृष्ण ही सोलह कला में परिपूर्ण है। हाँ, और एक चीज को समझो अच्छे तरह से, समझो ये चीज को,
कहते जो जीव है, हर जीव के अंदर में 50-50 गुण है, हर जीव में, लेकिन वो जो 50-50 गुण है वो बहुत कम है। कहते यही 50 गुण स्वर्ग में जो देवता होते हैं उनके अंदर में थोड़ा ज्यादा परिमाण है, देवता में यही 50 गुण थोड़ा ज्यादा परिमाण है। कहते और विशेष 5 गुण है जो इसी जगत में जीव में भी नहीं, ये देवता में भी नहीं, ये ब्रह्मा और शंकर जी के अंदर में, और विशेष करके और 5 गुण केवल ब्रह्मा शंकर कितना हो गया 50 5 55 हो गया। कहते और जो 5 गुण है, कहते ये किसी जीव में नहीं, ब्रह्मा में नहीं, शंकर में नहीं, कहते भगवान की जितने अवतार जैसे मत्स्य, कुर्मा, वराह, नृसिंह, राम, बलराम, ये जितने भगवत अवतार हैं उनके अंदर में और 5 गुण है, 60 गुण उनके अंदर में, लेकिन ये विशेष करके 4 गुण है वो और किसी के अंदर में नहीं, केवल ये कृष्ण के अंदर में। कहते वो 4 गुण क्या है, बोले पहला गुण है बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलवारिधि। कहते भगवान की एक लीला माधुर्य, लीला माधुर्य में जैसे रास लीला देखना, किसने रास लीला दी और कोई भगवान रास की चलो हमारे कन्हैया बांके लिया भगवान होकर के किसने भगवान को अभी तक तो किसने बांध पाए, लेकिन मैया जिसका कन्हैया को बांध दी है, अभी तक तो भगवान के कंधे पर कोई चढ़े सखा लोग कृष्ण को कभी कोई घोड़ा बना देते हैं, मतलब भगवान होते हुए भी भक्तों का प्रेम में वो इतने वसीभूत हो जाते हैं, कभी घोड़े बन जाते हैं, कभी उन्होंने हैं कहते माँ जसदा कभी कान पकड़ देती है, कभी मक्खन खा चोरी करते हैं, अगर मैया अगर पूछती लाला तेने मक्खन चोरी की कृष्ण डर जाते हैं, और कृष्ण क्या कहते हैं बोले मैया मोरी मैंने ही माँ खाए, इसलिए कृष्ण कभी डर जाते हैं। कहते इतने जो भक्तों का प्रेम में वसीभूत है केवल कृष्ण ही हुए और कोई भगवान नहीं हुए, ये एक लीला माधुर्य। दूसरा माधुर्य है वेणु माधुर्य, केवल देखना जो बंसुरी है केवल कृष्ण ही बंसुरी बजाए और बंसुरी किसने नहीं बजाए। उनका जो तीसरा माधुर्य है रूप माधुर्य, कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर, कभी कभी गोपियाँ कृष्ण को ताना मारती हैं बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करुणा की, बोले तू इतने सुंदर इतने सुंदर, अगर तू लाला नहीं होकर लाली होता है ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए भर जाते, अच्छा हो गया भगवान तेरे को लाला बना दे। इसलिए बोले कोटि कत्तर को कौम विशेष स्वभाव, कोटि काम देव को जो जिनने वाले भगवान का रूप है, इसलिए भगवान का एक नाम मदन मोहन, मदन मतलब काम देव को भी जिसने मोहित किया है। और चौथा जो माधुर्य है भगवान की ये प्रेम माधुर्य है, ये 4 गुण केवल ये कृष्ण के अंदर में, ये 4 गुण और किसके अंदर में नहीं, इसलिए कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बताए, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप्रजोकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ये ब्रजवासियों को महिमा हम क्या बताएं, जो पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन है, किसकी सखा बन गए, किसके बेटा बन गए, किसकी प्रियता बन गए, इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। हाँ देखो एक बढ़िया स्तुति है, एक श्लोक को आप ध्यान देकर सुनो। देखो जब कभी कभी हम प्रभु की भक्ति करते हैं ना, अगर थोड़ी सी अगर जीवन में कोई उथल पुथल आ जाए, थोड़ी बहुत कोई दुख कष्ट आ जाए ना, कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं, कहते हम भगवान की इतने भजन किया, इतने भजन भक्ति की, हमारे जीवन में फिर ये दुख कष्ट क्यों आए, कभी कभी हम बड़ी दुखी हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी उसका मीमांसा ये श्लोक में कहते हैं, ये श्लोकों को ध्यान देकर सुन लो बोले तत्वन कंपा सुसुमिक्षमाणम भुंजामि एवात्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर जीवन में कोई दुख आए, भजन कर रहे हो, कभी किसी को ऊपर दोष मत लगा,
भैया इसकी वजह से मेरी ऐसे हो गई, बोले भैया किसकी वजह से कुछ भी नहीं होता, हमने जैसे बीज बोए वहां पर तो वैसे ही ना पेड़ आएगा। अगर आपने चीकू का बीज बोओगे बताओ वहां पर क्या आम की वृक्ष आएगा, वहां पर चीकू का ही वृक्ष आएगा। अगर आम की गुठली बीज को बोए वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा, वो आम का ही वृक्ष आएगा। अगर कटहल का बीज बोए तो वहां कौन सा वृक्ष आएगा, वो कटहल का ही वृक्ष आएगा। हमने जैसे जैसे आत्मा कृतम भूतागम, अपना किया हुआ कर्म का फल हम भोग कर दें, अपना किया हुआ कर्म का फल हम भोग कर दें और किसको पर दोष मत लगाओ, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर बोले, जैसे आज आपका भाग्य में भोजन नहीं लिखा हुआ लेकिन ऑलरेडी तुम्हारे सामने थाला आ गया, भोजन का थाला आ गया, अभी तुम खाने वाले हो। हठात ऐसे व्यक्ति ऐसे कड़वी वचन बोल दी, उसी समय में आप भोजन करने जा रहे थे एकदम थाला वहीं पर छोड़ दिया, बोले मैं खाने के लिए बैठा और तुमने ऐसे मेरे को बोली बोली, उसने मेरे को ऐसे बोली बोली, उसकी वजह से मेरा खाना नहीं हुआ। वो कहते उसकी वजह से नहीं, आज तुम्हारे भाग्य में भोजन नहीं है, वो थाला ऑलरेडी आ गया, वो निमित्त बन गई, लेकिन वो तुम्हारी निमित्त नहीं, निमित्त है तुमने, आज तुम्हारे भाग्य में भोजन नहीं है, वो निमित्त केवल बना है लेकिन तुम्हारे भाग्य में भोजन नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया जीवन में जो कुछ आता है कभी किसको पर में दोष मत लगाया करो और अपना कर्म का फल भोग करते रहो, लेकिन भगवान की भजन कभी मत छोड़ा करो, कभी प्रभु की भक्ति मत छोड़ो। बोले क्यों, बोले भगवान कौन है, बोले आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, लेकिन वो रस वो धन को कब प्राप्त करोगे, पिताजी की अथाह संपत्ति है लेकिन बच्चे को वो संपत्ति कब मिलेगा, जब जिंदा रहेगा तब तो मिलेगा, अगर बच्चा अगर मर गया वो संपत्ति उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि उसी तरह जीवन में जो कुछ आता है हंसते हंसते उसको भोग कर लो। देखो जब कोई दुख आता है हम क्या बोलते हैं, कहते हमारे पाप नष्ट हो रहा है, बोलते हैं ना, लेकिन जब जीवन में सुख आता है हम क्या कहते हैं, हमारी पुण्य नष्ट हो रहा है। आप लोग ये बताओ जीवन में हम पाप को नष्ट करना चाहते हैं ना पुण्य को, बोलो कौन बोलेगा, जीवन में हम पाप नष्ट करना चाहते हैं ना पुण्य को नष्ट करना चाहते हैं, पाप को। कोई भी जीवन में पुण्य नष्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पाप कब नष्ट होगा, दुख दे करके। अगर कोई दुख आ रहा है ये समझो दिन को बाद में रात और रात को बाद में दिन आएगी। इसलिए ब्रह्मा कहते भैया अगर कोई जीवन में दुख कष्ट भजन करते करते आते हैं कभी विचलित नहीं होना और प्रभु की भजन करते जाओ, दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन आती है। देखो एक समय दो भाई थे, देखो ध्यान में रखो, एक समय दो भाई थे, अगर भजन कोई कर रहे हैं अगर कष्ट आए तो क्या समझना, दोनों भाई में एक तो बड़ा नास्ती, भगवान भगवान कुछ नहीं मानता है, लेकिन एक भैया बड़ा आस्तिक, खूब ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति करता है। अभी जो नास्तिक था वो जो आस्तिक जो भजन करता था हर समय उसको टोंटी करता था, बोले क्या दिन भर माला लेकर हरि कृष्ण करते हो और ये पत्थर को सामने दिन भर बैठे रहते हो, बेकार अपना समय को तो बर्बाद करते हो। लेकिन जो भक्ति करता था वो भजन करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाइयों को निमंत्रण आया, अभी दोनों भाई निमंत्रण में गए, जब गए अभी जो भजन नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिली है। उसने कहा देखा तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो तेरे को क्या मिला, कुछ नहीं, मेरे को तो सोने की मोहर मिली है। उसने कहा बात सही है, लेकिन और जब थोड़ी दूर गया ना जो भजन करता था उसको प्यार में इतने बड़े लोहे की सिख गड़ गई और खून बहने लग गया, और जो भजन नहीं करता था मतलब देख लिया तू इतने भक्ति भजन करते हो तेरे को क्या मिला, प्यार में सिख गड़ गई खून बह रही है, अरे मैं भक्ति नहीं करता मेरे को सोने की मोहर मिल गई। उसने देखा भैया बात सही है, वो तो दुखी दुखी हो गया, बोले ठाकुर जी दिन भर तेरे नाम भक्ति पूजा करता हूँ और तू सभी के सामने मेरे को ऐसे बेइज्जत करती हो, जब इतने बोला है ना इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा तुम ये मत समझो भक्ति करने वाला को दुख नहीं करने को सुख, कभी ऐसे मत समझो, सुना तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा, कहते जिसको आज सोने की मोहर मिली ना
ये पूर्व जन्म में इतने पुण्य किया था, आज का दिन उसको राज दरबार में राज मुकुट पहनने का था, राजा बनने का था, लेकिन मेरे और मेरे भक्तों को निंदा चुगली करता है, इसलिए इसकी सारे पुण्य खत्म होते होते पूरा खत्म हो गया। इसलिए उसको मैंने के सोने की मोहर देकर भैया यही लेकर दे जा, तेरी बात इसमें पूर्व जन्म में तुझे के मर्डर किया था, आज का दिन तेरे को राज दरबार में फांसी झूलने का था, लेकिन तू मेरे भजन करते हो, भक्ति करते हो, इसलिए तेरे सारे पाप को मैं नष्ट करते 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 सारे पाप नष्ट हो गई। थोड़ी सी पाप था, लास्ट में तेरे प्यार में एक सीख गड़वा करके मैं तेरे को छोड़ दिया, बोल जा एक सीख गड़ गया जा, इतने में तुम्हारे सारे पाप नष्ट, ये समझो। इसलिए भक्ति करने वालों को ये नहीं समझनी चाहिए, नहीं भक्ति किया इतना कष्ट क्यों आया। देखो कृष्ण खुद कहते हैं नेहविक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। कृष्ण स्वयं कह रहे मेरे लिए अगर इतनी सी कोई करता है ना भगवान का, तो उसके लिए इतना करता हूँ। सुदामा को इतने धन दौलत क्यों मिला, भगवान को दो मुट्ठी का चिल्वा मिल दिया है, त्रिभुवन का राज्य दे दिया। कभी भगवान कृष्ण परीक्षा करने के लिए द्वारका में, भगवान परीक्षा करने के लिए भगवान की अंगुल कट गई, वहां पर कृष्ण का 16,100 कटरानियां थी, कट गया तो क्या करोगे, बैंडेज करोगे ना, बैंडेज करो कैसे, वहां पर कपड़ा नहीं, साड़ी पहन करके रखे, और एक एक रानी जो साड़ी पहने ना, एक एक साड़ी का कीमत अरब खरब रुपया, सोने की एक पटरानी का उसमें काम है, कैसे फाड़ दे। लेकिन वहां पर द्रौपदी भी थी, द्रौपदी ने अपना साड़ी को नहीं देखी, देखते देखते भगवान को सामने साड़ी को फाड़ दी, फाड़ करके भगवान की अंगुल में उन्होंने बैंडेज कर दी, भगवान रीझ गए, बल इसका ऋण मैं कब चुकाऊं, इसका ऋण मैं कब चुकाऊं, कब ऐसे मौका मिले। जब भरी सभा में लाज जा रही थी, स्वयं भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, बोले 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी पीछे कोई साड़ी है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं मेरे लिए इतना करना, उसके लिए मैं इतना करता हूँ। देखो और एक उदाहरण समझो, जैसे गांव में ना पहले देखना, जैसे गेहूं की खेती होती थी, एक ड्रम बनाते थे, अच्छी तरह चीज को समझो, एक ड्रम बना करके ड्रम में वो गेहूं को डाल करते थे, उसका नीचे एक होल होता था, उससे जितना जरूरत वहां से निकालते थे। जैसे इसी साल में आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, मैं देखूँ कौन उत्तर देता है। जैसे इसी साल में गेहूं की खेती की, लेकिन बढ़िया नहीं हुआ, दाना छोटा छोटा हो गया, उसको ड्रम के अंदर में डाल दो। दूसरे साल जब खेती की, गेहूं का खेती बहुत बढ़िया हुई और दाना बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दो। नीचे से जब गेहूं हम निकालेंगे, बताओ पहले कौन सा गेहूं आएगा, कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन सा गेहूं आएगा बोलो पीछे वाले, क्यों आप तो ऊपर से बड़ा गेहूं डाला, आप बताओ आप तो ऊपर से बड़े गेहूं डाला ही ना, वो छोटा क्यों आएगा बोलो, हाँ पहले छोटा डाला था। अभी हमें दिखता है हम भगवान की भक्ति भजन कर रहे हैं, लेकिन पहले तुमने क्या क्या बताया। पहले आप देखना, कभी कभी एक व्यक्ति ने मर्डर किया, लेकिन एक व्यक्ति कुछ भी नहीं किया, उसको साथ में था, देखना उसको साथ में इसका भी जेल हो जाता है, क्यों उसको साथ में था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया भैया जेल क्यों चला गया। देखो उसका उदाहरण देते हैं, जैसे माने एक व्यक्ति तीन व्यक्ति को मर्डर किया, हमारे भारत का संविधान में नियम है जो व्यक्ति एक व्यक्ति को मारे ना उसको आजीवन कारावास, लेकिन उसने कितना मर्डर किया बोले तीन, एक जीवन में तो भोग कर लिया, अभी दो जन्म बाकी है कि नहीं उसने। इसलिए अब कभी कभी देखना तुमने कुछ भी नहीं किया, मर्डर किया एक, लेकिन चूंकि तुम उसको साथ में था वो भी जेल में चला जाता है। वो कहता है भैया मैंने तो कुछ किया नहीं, जेल में कैसे चला गया, बोले भैया पहले तुमने तीन मर्डर किया है, एक तो भोग चुके हो, दो बाकी तुम्हारी, अभी तुम्हारी दो बाकी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कर्मणा नाम गहिना गति, ये कर्म की जो गति है ना इसको समझना बड़ा कठिन है, और हर व्यक्ति को अपना कर्म फल भोगना
बढ़ता है। इसलिए ब्रह्मा यहाँ कहते हैं, अगर जीवन में कुछ आता है भक्ति करते करते, तब बिलबिलाना नहीं, दुखी नहीं होना, हंसते हंसते उसको भोग कर लो, लेकिन क्या करो, भक्ति कभी छोड़ नहीं। भगवान की दुनिया छूट जाए, एक दिन तो दुनिया छूटेगा ही तुमसे, लेकिन प्रभु की भक्ति कभी मत छोड़ो। बोले क्यों? बोले भक्ति को द्वारा ही तुमको सुख शांति मिलेगी, और भक्ति को द्वारा तेरे को भगवत धाम मिलेगी। भगवत धाम भक्ति से ही भगवत धाम तुमको मिलेगी, इसलिए भक्ति कभी छोड़ना नहीं, भगवान की भक्ति करते रहो। हाँ देखो, अगर आपने ऐसे स्ट्रंग भक्ति किया, बड़ी जोरदार, बहुत पाप कर्म किया, जैसे श्री वाल्मीकि, पहले ये दशरथना कर था, ये अजामिल भी, ये बड़े बड़े पापी थे, लेकिन इनकी जो भक्ति है ना, बड़ी स्ट्रांग भक्ति उन्होंने किया। वाल्मीकि ने ऐसे जब नारद जी से मिले, बोले राम बोलो, बोलो बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह से राम नहीं निकला। बोले क्यों? पापी है ना। आप देखना दुनिया के लोग दिन भर बक 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 बोलते रहेंगे, लेकिन बोलो भैया थोड़ा नाम करो, मुंह से नाम नहीं निकलेगा। बोले क्यों? बोले पाप है, तो पाप वजह से प्रभु का नाम नहीं निकलती है, उसका मुंह से राम ही नाम नहीं निकला, इतने उसने पाप किया था। बोले भैया तू बोलता था मारो मारो। बोले हाँ। बोले मरा मरा तो बोल सकते हो ना? बोले हाँ, ये तो बोल सकते हो। इसलिए उल्टा नाम जपते जगह जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माई। इसलिए उल्टा नाम जप करते करते कहाँ दस रत्ना कर से वाल्मीकि बन गई। लव कुश देखे हो? कौन कौन लव कुश देखे हो? देखना वाल्मीकि जी कैसे लव कुश को रामायण लिख करके कैसे लव कुश को उन्होंने बढ़ाया। अगर हमने अगर प्रभु का नाम जप करेंगे सही सही, बड़े से बड़े पाप भी ये नाम जप से खत्म हो जाती है। इसलिए आप लोग ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के नाम जप करो, इसी से ही तुम्हारी पाप खत्म होगा और जीवन में शांति और सुख मिलेगी। इसलिए ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण खुश नहीं हो रहे थे। बोले भैया इतना भगवान को स्तुति किया तब भी भगवान खुश नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तक तो मैंने भगवान को स्तुति की, अभी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। जब ब्रह्मा जी भगवान की भक्तों को उन्होंने स्तुति की, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम जन्मित्र परमानंदम पूर्णा ब्रह्म सनातन। जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की, इतने में कृष्ण मुस्कुरा दे। अरे ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण का कमजोर कहाँ पर है। भगवान शिक्षा देते हैं, मेरे स्तुति से जितने खुश होता हूँ, अगर मेरे भक्तों को कोई स्तुति करना, मेरे भक्तों का कोई सेवा कर, उसमें ज़्यादा खुश होता हूँ। ब्रह्मा जी माफ़ी मांगे, तीन बार परिक्रमा की। बोले प्रभु अगर कोई बोलता है मैं भगवान को जानता हूँ, लेकिन मैं चतुर्मुख ब्रह्मा कह रहा हूँ, कोई चीज़ समझो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कौन हूँ सृष्टि को रचना करने वाले, मेरे कितने सारे हैं? बोले चार सारे हैं। बोले प्रभु अगर कोई बोलता है अरे ये जो गैया चराता था ना, गैया को पीछे पीछे डोलता था, वो वही है ना। ब्रह्मा जी कहते प्रभु ये विश्व ब्रह्मांड का धूलपना को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन तेरी महिमा को कोई अंत नहीं पा सकते हैं। इसलिए भगवान को उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्य। देखो हमारे बीच में हमारे पास में इस्कॉन है, ये कितना दूर प्रभु जी इस्कॉन यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से एक दो डेढ़ किलोमीटर इस्कॉन है। जो इस्कॉन का जो स्थापन करने वाले, ध्यान देकर सुना, जो इस्कॉन को जो स्थापन करने वाले हैं, जब इन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, ध्यान देकर सुना, कि जब ये अमेरिका प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पर सब हिप्पी हो गए थे। हिप्पी हो गए थे जान, तो दिन भर ड्रग्स लेकर के बेहोश होकर के पार्क में पड़े रहते थे, हैं पड़े रहते थे। जब वो सबसे पहले अमेरिका में गए एक वृक्षों को नीचे, वो पार्क का नाम क्या था प्रभु जी जिसमें बैठ करके हरिनाम किया?
या तो वो अमेरिका में वो पार्क में बैठ करके उन्होंने और कुछ नहीं किया, उनको पास में देखो, उनको पास में केवल ये दो मजरा था और उनको पास में कुछ भी नहीं था। एक वृक्ष को नीचे बैठ करके केवल उन्होंने भगवान की केवल नाम जप किया है, हरे कृष्ण। अब लोग मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। उन्होंने बैठ करके भगवान की केवल ठाकुर का नाम जप किया। देखो वो जो लोग ड्रग्स लेकर के पड़े रहते थे वो ऐसे क्यों करते थे, ध्यान देकर सुनो। इसी जगत में एक व्यक्ति आनंद कहाँ ढूंढता है, जब थोड़ी सी बड़ा होता है ना, एक लड़का एक लड़की से और एक लड़की एक लड़का से पहले आनंद ढूंढता है। लेकिन वो चमड़ा का आनंद है, वो फिजिकल आनंद है, शरीर का आनंद है, वो ज़्यादा दिन नहीं जाती है। पहले मैंने बताया ना आई लव यू, यहाँ प्रेम कहाँ शुरू होता है, आई लव यू। कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई किल यू, जा करके प्रेम यहीं पर खत्म होती है। इसलिए वो लोग भी, ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ, पहले ये लोग सोचते हैं शायद इसी जगत में प्रेम करके शांति मिलेगा, लेकिन उसमें नहीं मिला। बाद में वो सोचते हैं शायद सिगरेट पी करके सुख शांति मिलेगा, फिर वो लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड आनंद है। जब उसमें आनंद नहीं मिलता है फिर पीना शुरू करते हैं, सोचते हैं शायद शराब पीने पर शायद आनंद मिले, फिर वो शराब पीना शुरू करते हैं, फिर शराब पिया तभी आनंद उसमें नहीं मिला, उसको बाद में फिर लास्ट में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, स्ट्रांग ड्रग्स लेना। वो लोग ऐसे ड्रग्स लेते थे और अमेरिका में इतने टहलका मचा दिए थे लोग, सरकार कोशिश करने पर भी इन लोगों को किसी तरह से रोक नहीं पा रहा था सरकार। और ये लोग एक साथ में किसी दुकान में अटैक करते थे और मारपीट करके धन दौलत लूटते थे, लूट करके ये ड्रग्स लेते थे। सरकार अमेरिका में इनको किसी तरह से इनकी बंद नहीं कर पा रहा था, बड़ी टहलका मचा दिए थे अमेरिका में। लेकिन जब स्वामी महाराज गए अमेरिका में, एक पार्क है, जिस पार्क में केवल बैठे केवल ये दो मजरा लेकर उन्होंने भगवान के उन्होंने नाम जप किया, केवल ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, केवल प्रभु का नाम जप किया। देखो ये जो भगवान का नाम है ना, ये स्पिरिचुअल आनंद है, ये स्पिरिचुअल आनंद है, ये जड़ आनंद नहीं, ये सप्त ब्रह्म है, ये सप्त ब्रह्म है। जब उन्होंने प्रभु का नाम जप करना शुरू किया, वो जो मतवाला होकर के हिप्पी होकर के पड़े रहते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने आप वो लोग इनको पास में आने लग गए, अपने आप आकर के इनको पास में बैठना शुरू कर दिया। क्यों, भगवान का नाम में अद्भुत शक्ति है, इसमें जो हरे मतलब होता है जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब हमारा मन चंचल है, भटकता है इधर उधर। क्री मतलब ये चंचल मन को जो भटकने नहीं दे, इसको खींच करके ले आए। स्ना मतलब आनंद दे। राम मतलब सभी के हृदय में जो रमण करे और जीवन में जो आराम दे। इसलिए हम कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम है, ये दिव्य भगवान के नाम दिव्य शक्ति। ठाकुर हनुमान जी को देखो, दिन भर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। शंकर जी को देखो, पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। सरस्वती को चार हाथ में देखो, एक हाथ में माला, माँ देवी को आठ हाथ में देखना, एक हाथ में माला, सरस्वती की ब्रह्मा जी की चार हाथ देखो, एक हाथ में उनकी माला, ये सबको हाथ में एक एक माला है, ये सबके सब प्रभु का नाम जप करते हैं, सबके सब नाम जप करते हैं। अभी वो जितने हिप्पी लोग थे ना, वो धीरे 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 इनको पास मान लग गए, बैठ कर इनको पास में भगवान के नाम सुनने लग गए। फिर जो स्वामी महाराज थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने गीता उन्होंने सुनाया, और गीता सुनाते 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 वो हिप्पी से उनको हावी बना दिए, हिप्पी से उनको हावी बना दिए। अभी ये अंग्रेज लोग छोटी कंठी तिलक माला रख करके कैसे भगवान के नाम जप करते हैं, अभी वही लोग ही जगत में पृथ्वी में ये हमारी गीता सनातन धर्म को वो लोग प्रचार कर रहे हैं। हम तो हिंदू हैं, किसी किसको पूछो
भैया गीता का कोई श्लोक याद है? हाथ उठाओ तो गीता का कोई श्लोक याद है? कोई एक दो व्यक्ति हाथ उठाए, लेकिन इनको पूछो कौन सा हीरो का नाम क्या है, कौन सा हीरोइन का नाम क्या, सब मुखस्थ लिखे, सारी उल्टा पुल्टा चीज को याद करके हम बैठे हुए, लेकिन अपना जो संस्कृति है वो संस्कृत को हम भूल गए। पहले मैं बताया था ना, एक व्यक्ति आकर के हमारे बड़े गुरु जी को बोले, गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता हूँ, बेटा बड़ा उद्दंड, एक बोलते और एक करता है, ध्यान देकर सुनो। हमारे गुरु जी बोले, बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ाते? बोले नहीं। बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, यही दंड उसका है। क्यों? अगर रामायण पढ़ते तो रामायण में लिखा हुआ है, प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमय माता। भगवान सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छूते थे, गुरु जी के चरण छूते थे। जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, स्वयं राम उनके चरण की सेवा करते थे। पिताजी के आदेश पालन करने के लिए प्रभु स्वयं 14 साल के लिए वनवास गए। अपने बेटे को बोला 14 दिन के लिए कहीं जाए, अपना मनमर्जी तो घूमने जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए गुरु जी बोलते थे, जो रामायण नहीं पढ़ेगा, जो गीता नहीं पढ़ेगा, उसको यही दंड मिलेगी। बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, लो 10-20 हजार रुपया की, जिसमें जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन बोलते नहीं तो रामायण गीता पढ़ थोड़ी सी, एक माला तो जप कर। कभी बोलते हैं बच्चों को भी, आप देखना हमारा मुसलमान भाई लोग शुक्रवार को देखना, इतने छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड के ऊपर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, उनको जोर जबरदस्ती देख, अब देखे होंगे मेन रोड में धूप में बैठे करके मुसलमान भाई लोग वहां पर बच्चे को ले जाते हैं टोपी पहना करके, चलो वहां पर और कुरान उसको पढ़ो, उसको कंपल्सरी उसको कुरान पढ़ाते हैं, कुरान उनको पढ़ाते हैं। लेकिन हम हिंदू होकर के हमारी सनातन धर्म, हम लोग हाँ इतने बड़े धर्म जो नित्य शाश्वत धर्म, लेकिन हम कोई बच्चे को पर कोई संस्कार, तो बच्चे हमें क्या सम्मान देंगे, हमारे बच्चे क्या आदर करेगा, आदर कर ही नहीं सकते। खुद पिता माता नास्तिक है, भजन भजन से कोई मतलब नहीं, तो बच्चों को पर संस्कार कहाँ से पड़ेगा, संस्कार कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए भैया हम चाहते हैं, अभी हमारे प्रभु जी खड़े हो जाए, प्रभु जी खड़े हो जाए, अभी प्रभु जी ये भी गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन अपना पुत्र बेटे पत्नी सबको लेकर के भजन कर रहे हैं। अब जिस घर में ठाकुर को सेवा हो, भक्ति पूजा हो ना, जिस बेटा भजन करेगा वो 100% पिता माता को पहले खिलाएगा, पिता माता की सेवा करेगा ही। क्यों? उसको पर संस्कार है, पिता माता हमें जन्म दिया है, पहले इनकी सेवा करनी चाहिए, सबसे पहले आपकी सेवा करेगा। अगर नास्तिक बनोगे, भजन नहीं करोगे, कितना बुढ़ापा का समय में डंडा बनेगा, डंडा सर पर पड़ेगा, वो हाथ की नहीं, हाथ की लकड़ी नहीं, वो सर के ऊपर डंडा पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे श्री क्या नाम प्रभु जी का, नरेश प्रभु जी, जैसे इन्होंने भागवत 7 दिन तक रखाए, आप लोग यहाँ पर आए कथा सुने हो, इसलिए हम चाहते हैं बाद में भी इनके घर में 1 सप्ताह में, नहीं तो 1 महीना में, 15 दिन में हम चाहते हैं यहाँ सत्संग हो, हरि कथा हो, हम लोग आओ, अपना बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के आओ और कथा सुनो धीरे धीरे। और हमारे जो प्रभु जी खड़े हुए हैं ये भी बीच बीच में आएंगे, ये प्रभु भी बीच बीच में आएंगे, आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे, कैसे अपना परिवार को हम कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं, कृष्ण भक्तिमय कैसे बना सकते हैं, ठीक है? अभी प्रभु जी आपको बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे, कैसे अपना घर में रहते हुए हम कैसे प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। प्रभु जी आपका नाम क्या है? हरि जनार्दन प्रभु जी, अब इनके लिए जोरदार ताली बजाएगा। माता जहाँ पर है ना सुबह वहीं पर बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। हरे कृष्णा, जो पीछे है वो सकता है थोड़ी थोड़ी आगे आप आ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, लगता है सब बर्फ हो रही है। हरे बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। पहले तो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी ने मुझे
योग्य समझाओ कि पता नहीं क्या विशेष कृपा है परमाय को आज की। और वैसे तो विशेष कृपा जितने भी लोग यहाँ हैं सभी पे है। सत्संग में आना ही अपने आप में एक विशेष कृपा है। जो जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उनको बुलाया तो गया है लेकिन वो अपने आप से आए नहीं है, उनको लाया गया है। कौन लाया है? स्वयं भगवान की कृपा है। तभी सत्संग में बैठने का लाभ मिलता है, सत्संग में बैठने को ही तभी मिलता है। और सत्संग में बैठने में कई लोगों को नींद भी आती है। क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि भगवान सत्यचित आनंद है। आनंद की धारा इस प्रकार बहती है जो घर में नहीं मिलती है, इसलिए वो यहां पर क्या करते हैं? नींद में आ जाते हैं। तो सत्संग इतना विशेष है। और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला और फिर भी हम उसका लाभ ना उठाएं तो कितनी बड़ी मूर्खता है। सिर्फ उस बच्चे की तरह जिसको हमने एप्पल का मोबाइल फोन दे दिया लेकिन उसको लगता है कि ये खिलौना है, उसके लिए वो एप्पल का मोबाइल फोन खिलौना है, वो उसको उसी प्रकार से खेलेगा जैसे एक 5 रुपए के खिलौने से खेलता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन से खेल रहे हैं जैसे एक खिलौना। ये मानव तन मिला, मनुष्य जीवन मिला इसलिए कि हम इसको इसमें जुड़कर भक्ति में लगकर और भगवान के लोग अपने परमात्मा के पास वापिस वो लोग जा सके। तो ये कथा महाराज जी सुना रहे पिछले 6 दिन से श्रीमद् भागवत। श्री अपने आप में ही श्री है और मद भागवत, मद मतलब जिसको पीते ही नशा आ जाए, मत वाला हो जाए। मद दुनिया का जो नशा है ना वो बार बार पीना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। लेकिन ये नशा जो है ना ये एक बार अगर किसी को चढ़ गया तो उसके बाद उतरेगा। राम जी अभी जैसे महाराज ने बताया कि भगवान की जो विभूतियां हैं उनमें भी 60 गुण हैं लेकिन भगवान में विशेष 4 गुण हैं। तो राम जी नाम से ही राम बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सीधा सरल नाम है, विनम्रता से अपने आप जीवा पे आ जाता है। लेकिन कृष्ण कैसा है? टेढ़ा है पर मेरा है। कृष्ण टेढ़े हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, कृष्ण जब अंदर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं क्योंकि क्या है, टेढ़े हैं। और जब अंदर चले जाते हैं तो बाहर नहीं आते हैं क्योंकि टेढ़े हैं। तो इसलिए कृष्ण को और सत्संग का यही लाभ है। सत्संग में हम आते हैं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब सत्संग में सुनते हैं महाराज की वाणी से सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, माया हमें फिर से पकड़ लेती है और वापस हम अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा क्यों होता है, तो महाराज बोले कि देखो सत्संग में कई प्रकार के लोग आते हैं। तो महाराज ने बोला कि तुम जाओ और एक पत्थर लेके आओ और एक कपड़ा लेकर आओ और एक बताशा लेकर आओ। क्या क्या बोला? एक पत्थर, एक कपड़ा और एक बताशा। तो महाराज ने एक घोल बनाया चीनी का स्वादिष्ट और उस जल में उस तीनों को रख दिया। अब कुछ देर तक उसमें रखा और बोले अब इस पत्थर को निकाल के बाहर ले जाओ।
बाहर तक जैसे ही वो पहुंचे, बाहर तक पहुंचे और पत्थर को देखा तो वो वैसे का वैसा सूख गया, उस पे जल मीठे जल का नामो निशान नहीं था। फिर बोले कपड़े को निकालो और उसको ले जाओ। कपड़ा ले गए, कुछ दूर तक गए, अपने घर तक पहुंचे, लेकिन कपड़ा में थोड़ा थोड़ा जल बाकी। अभी बोला कि बताशे को निकालो, तो भी उसने हाथ मारा जल में, लेकिन बताशा नहीं। तो ये सत्संग में महाराज बताते हैं कि तीन प्रकार के लोग आते हैं। एक तो पत्थर जैसे होते हैं, उस समय तो जल चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो जल फिर से सूख जाता है। और कुछ कपड़े के माफिक होते हैं जो अपने घर तक उसको लेकर जाते हैं, और कुछ बताशे की तरह होते हैं जो मीठे रस के जल में खुद ही घुल जाते हैं और कभी बाहर। ये है सत्संग का महत्व, भागवत श्रीमद भागवत बनने का। और सबसे पहला लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि हम अपने आप को जाने। कभी जाना नहीं है हमने, अपने से प्रश्न ही नहीं किया कि मैं कौन हूं और इस जगत में मैं क्या लेने आया। कभी प्रश्न किया है किसी ने? नहीं किया। दूसरे को देख के प्रश्न करते हैं, झगड़ा होता है, गाड़ी खड़ी कर दी किसने घर के बाहर, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। वो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है, लेकिन दूसरे को बोलता है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, है ना? ऐसा ही होता है, वो अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। तो यहां जब हम आए तो इस पंच भौतिक शरीर में जो विलय हो जाना है यही का, और एक ही चीज साथ जानी है, वो क्या जाना है? प्रभु का नाम। प्रभु का नाम केवल बाह जाएगा, वही असली नोट है, असली धन है। तो ये जो ये हमारे पास माला है इसके अंदर, इससे हम वो धन को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो ये है नाम रूपी धन, जो सब जगह कहीं भी जाएंगे आप तो सब जगह चलेगा। भारत का धन भारत के बाहर नहीं चलता, अमेरिका जाएंगे तो नहीं चलता। तो ये धन जो है नाम रूपी धन, ये हर जगह चलेगा। तो इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, बाकी आप महाराज जी बोले से वृंदावन। ये प्रभु जी कितने मीठी मीठी कथा सुनाए, ये प्रभु जी बीच बीच में यहाँ आएंगे और आकर के आप सबको बुलाएंगे। अब भी अपना बच्चों को लेकर के आना, भगवान की कथा सुनना, देखना घर में बच्चे भी भजन करे, आप भी भजन करे, देखो बच्चे अच्छे संस्कार बनेंगे, गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, पिता माता को आदर करेंगे। घर में ही बोले घर में राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, अगर भगवान में गीता और रामायण हो ना, कहते हो घर नहीं, वही घर ही भगवान का धाम, वही भगवान की वृंदावन धाम बन जाएगी, ठीक है ना? इसलिए अभी हमारे और एक प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, ये भी बीच बीच में आते रहेंगे, आप लोगों को इकट्ठे करके और अच्छी अच्छी कथा सुनाए। खड़े हो जाओ, तो आज प्रसाद है, हाँ आज आप सब प्रसाद लेकर के जाना, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, ठीक है? देखो ये जो प्रभु जी, ये मत समझो अरे जो कुछ लेखा पढ़ा नहीं जानते ना, जिनको पैसा कमाना आते नहीं, वही सब हरे कृष्ण करते रहते हैं। कई कई लोग का ये धारणा है, जिसका कमाने का कोई धंधा नहीं, कोई पैसा नहीं कमा सके, हैं? वही लोग भी भगवान की से भजन करते हैं। देखो ये जो खड़ा हुआ ना, यही से नहीं, अब बोलो तो क्या पढ़ा हुआ? जोर से बोलो। इंजीनियरिंग और एमबीए हुई है। कहाँ पर काम किया? कहाँ? कुछ कंपनीज थी, एमएनसी जैसे हनीवेल, एलएनटी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, गोदरेज, हिल्टी और बैकेन लुब्रिकेंट्स, इस तरीके से कुछ स्विस एमएनसी थी, कुछ यूएस एमएनसी थी और इंडियन एमएनसी। गुरुवेगौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद स्तोत्र शिष्य श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मंच आसीन अपने शिक्षा गुरु पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ।
कि वो हम सब पर मुझ पर कृपा करें ताकि हम जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ पे आए हैं, जो चीज़ हमें देना चाहते हैं, हम उसको ग्रहण कर पाएं और अपने मनुष्य जीवन को कल्याण कर पाएं। एक प्रश्न है मेरा, आज हम तकरीबन ये सातवां दिन भी विराम हो जाएगा, कथा विराम हो जाएगी। एक प्रश्न है, अगर आप हींग देखी है सबने, पकड़ के छोड़ोगे तो क्या होता है? आती है हाथ में से। तो अगर आप हींग की फैक्ट्री में रोज जाके एक एक दो दो तीन तीन घंटे बैठोगे, बाहर आओगे तो किसकी खुशबू आएगी? गुलाब की आ सकती है, बेला, रजनीगंधा, किसी की? हींग की फैक्ट्री में बैठे हो तो हींग की खुशबू आएगी। ऐसे ही सात दिन श्रीमद् भागवतम रूपी इस कथा में आप नहा रहे हो, घंटों घंटों नहा रहे हो। तो अब यहाँ से जब वापस जाओगे तो किसकी खुशबू आनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम के। और सार रूप में भागवतम का सार क्या है? भगवान का नाम। तो क्या करोगे घर जाके? क्या करोगे? माता जी की आवाज आ रही है अकेले, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। पर एक चीज देखी गई, क्या हम कहां के जीव में कौन से युग के हैं? पक्का कोई सतयुग का आया तो माफ कर देना, ठीक है? बैठे बैठे सतयुग क्यों? हरी बोल। देखो यहाँ पे माता जी वहां से बस गेट से एंटर हुई और सतयुग आ गया, गेट से बाहर जाएंगी फिर कलयुग आ जाएगा। तो वो जो बाहर निकल के जो कलयुग पकड़ लेगा ना फिर से, तो उसके लिए एक प्रयास है कि महाराज जी भी हम पे कृपा कर रहे हैं, प्रभु जी ने भी और यहाँ के कुछ रहने वालों ने प्रयास करेंगे कि हम हर सात दिन में या 15 दिन में, या अगर वो भी नहीं सह पाओगे तो महीने में एक बार, ठीक है, महीने में एक बार आके हम फिर वही कलयुग से सतयुग की तरफ आने की प्रयास करेंगे। यही हरि कीर्तन, यही हरि कथा हम कोशिश करेंगे कि एक जगह पे बैठ के हम ये कर पाएं। अरे क्यों करें? क्यों करें? किस लिए करनी है? मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, एक तो खुद के, अपने से अगली पीढ़ी के और उससे अगली पीढ़ी के। इन बच्चों के बारे में सोचा है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके बारे में सोचा है क्या कि इन्हें संस्कार देने हैं? आज की डेट में हम वो इंटरनेशनल स्कूल में भेज रहे हैं, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं, अब्रॉड पढ़वा रहे हैं, अब्रॉड जॉब करवा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वहां क्या संस्कार मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। उस स्कूल में जाके बच्चा अपने दोस्तों से सीखता क्या है? कुछ अलग ही चीज सीख के घर पे आ जाता है। ट्यूशंस में जा रहा है, यहां वहां जा रहा है, वहां केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, बस यही पढ़ रहा है। और उसको क्या बनाया जा रहा है कि बेटा एक रोबोट बनना है, तुम्हारा बटन ऑन कर दिया जाएगा सुबह, ठीक है, और तुम्हें जाके क्या करना है, बस डॉलर इकट्ठे करके वापस आ जाना है। और कोई संस्कार नहीं, एक मशीन बना रहे हैं। तो ऐसी युग जो आगे आ रहा है, इन बच्चों को क्या देंगे? कितने घर में नित्य प्रति रामायण, भगवत गीता या भागवतम पढ़ी जाती है? 10% के भी हाथ नहीं उठे। कितनी गंभीर, समझ लो कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। अरे हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो पहले अपना ही कल्याण नहीं कर पाए, फिर हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, हम उनको संस्कार नहीं दे पाएंगे। हम क्या सोच रहे हैं कि हम हजारों हजारों रुपए फीस भर रहे हैं स्कूलों में, और ये तो स्कूल की जिम्मेदारी है संस्कार देने की, और स्कूल अपना पल्ला झाड़ लेता है कि भाई हम तो केवल एजुकेशन देने के लिए बैठे हैं, संस्कार आप दो ना। और आज की जनरेशन के माता पिता के पास तो टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्चे बहुत हैं, और खर्चों की वजह से क्या करना पड़ेगा? जॉब करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। और खाली खर्चों का एक मेरी स्कूलमेट है, उसकी ईगो ऐसी हो गई है, उस टाइम तो पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी,
तो वो जो पढ़ लिख के जो ईगो आ गई है ना, उस ईगो की वजह से, उस ईगो की वजह से उसको जॉब करनी है, सैलरी की वजह से नहीं। कितनी पढ़ाई लिखाई करके तो ना जॉब पक्का करूंगी, जबकि घर में एक छोटी बेटी है, अब उसकी तरफ कौन ध्यान देगा, कौन सिखाएगा पढ़ाएगा। हम अपने बच्चों को क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि हम अपने नाना नानी या दादा दादी के पास छोड़ देंगे तो उससे वो जल्दी सीख जाएंगे। अरे एक चीज को सोचो ना, उनकी भी एज हो गई है, शरीर उतना वो नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है। तो ये बीड़ा एक, इसीलिए कहा गया कि एक नारी, बुरा मत मानना इस बात को, पर एक नारी क्या है, होम मेकर है। उसका असली करियर क्या है, असली करियर क्या है कि पूरे घर को वृंदावन बना देना। क्या बना देना? भगवान का धाम बना देना। कैसे? अच्छा अच्छा प्रसाद, अच्छा अच्छा भोग बना के ठाकुर जी को अर्पित करके वो प्रसाद पूरे घर को खिलाना, बच्चों को संस्कार देना। कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए खड़े होना कि देखो ये इस घर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घर की मालकिन असली में कौन है? नारी ही होती है। और जब वो पूरे घर को कंट्रोल कर लेती है, इसलिए दीदी बहनों से मेरी एक प्रार्थना है, माता जी से प्रार्थना है कि अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पकड़ लो, कि पिछली जनरेशन उनका भी ख्याल रखेंगे माता पिता, अपनी जनरेशन में अपना के भी ख्याल रखेंगे, और जो आने वाली जनरेशन है हम उसका भी ख्याल रखेंगे। तो कौन कौन चाहता है कि उनके बच्चे संस्कारी हों, रोज सुबह उठ के उनके पैर छुएं, उनको हरे कृष्णा बोले, राधे राधे बोले, राम राम बोले। अरे युग देखो कैसे बदल गया है। वो पहले जो दूर दूर से नाम होती थी, अरे शर्मा जी राम राम, अरे मल्होत्रा जी राम राम, आज कहूंगा हाराट हाय ब्रो हाय, असली में हाय तो निकल रही है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन परेशानियों में ही है, थक गए हैं, मर गए हैं, तो मुंह से क्या निकल गया? हाय। और स्कूल तक में क्या आदत है, सोचा प्रिंसिपल आई है, माइक पकड़ा, हाय स्टूडेंट्स, और बच्चे भी कह रहा है हाय मैम, मतलब प्रिंसिपल भी कह रही है देखो भाई मैं भी मर रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं मैडम हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप यही सिखा रहे हो। तो वो चीजों से, उस हाय से कहां पे आए? आनंद में आए। राम शब्द का अर्थ है आनंद, कृष्ण शब्द का है आनंद, पूर्ण रस से भरे हुए भगवान, और उनका नाम भी उसी रस, उस आनंद से भरा हुआ है। तो हम उस हाय युग से, हाय युग से राम राम वाले युग में आना चाहते हैं, राधे राधे वाले युग में आना चाहते हैं, कृष्ण कृष्ण वाले युग में आना चाहते हैं। तो कहां? कलयुग। कलयुग का मतलब क्या है? कला का युग, वही हाय युग। उस हाय युग से हम आएंगे सतयुग में, राम युग। ठीक है, राम राज्य होगा आपके घर में, ठीक है, कृष्ण राज्य होगा आपके घर में। सुख तो कौन कौन चाहता है? अब तो 100% हाथ खड़े कर लो, जबरदस्ती सही। तो जो जो चाहते हैं ना, प्रभु जी आपका नाम मैं जानता नहीं, पर आपको 7 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, बड़े ही अच्छे से कथा सुन रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, एक विनती और है, एक सेवा और कर लीजिए, आप सब अपना नाम इनको लिखवा दीजिएगा, ठीक है, फोन नंबर के साथ। वो प्रभु जी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, बस कुछ सेकंड के लिए, ताकि आप दिख जाओ, देखो ये प्रभु जी, इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कथा सुन रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो ना। इनको पास में दो बैठी भी बैठी थी, अभी रोज कथा में आती है, इसलिए आप एक पेन, तीनों पेन और एक कागज ले लेना तीनों, और सब भक्तों का फोन नंबर और इनका नाम को लिख लेना, ठीक है, उसको व्हाट्सएप बनाएंगे। देखो एक और सजेशन, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी को हम कैसे सेवा में लगा सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम, उस व्हाट्सएप पे जिसमें कि आपके पास सुबह से लेकर शाम तक केवल अर्जेंट आता है, उसमें हम एक चीज ऐसी लाएंगे, ये ग्रुप बनाएंगे जिसमें भगवान की कथा आएंगी, अच्छे सुविचार आएंगे, और जैसे ही प्लानिंग डेट फिक्स होती है कि इस दिन को यहाँ पे सत्संग होगा, इस दिन को यहाँ पे कथा होगी, आपको बता दिया जाएगा, और प्रार्थना रहेगी कि आप सभी उस प्रोग्राम में आए और उसको सक्सेसफुल बनाए। किसके लिए? मेरे लिए, अपने लिए, हमारे लिए। प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया, जिसने ग्रुप छोड़ा सारे के सारे बाकी मेंबर जबरदस्ती उसके घर चले जाएंगे, कहता आज भंडारा यही है, आज कथा यही है, आज कीर्तन यही है, तो सजा भी फाइनल हो गई, ठीक है। पर ये एक हमारी प्रार्थना है। देखो अभी प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक शब्द यूज किया, मैं उस शब्द के लिए 2 मिनट और लेना चाहता हूँ, हालांकि
बहुत ज्यादा समय ले रहा हूं मैं, आज आखिरी दिन है, विराम है, पर फिर भी शब्द यूज किया भारत, भारतीय। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत, चलो हिंट, भास्कर। भास्कर किसको कहते हैं? सूर्य को। क्यों? क्योंकि वो क्या देता है? भा, रोशनी, उजाला। तो इसी शास्त्रों में रोशनी, उजाला एक ज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ज्ञान का। तो भारत जो इस रोशनी से, इस ज्ञान से रत है, ये भारत क्या है? ये भारतवर्ष वो क्षेत्र है जो इस ज्ञान से, चार वेदों के, पुराणों, उपनिषदों के ज्ञान से रत है। उस ज्ञान से रत है कि कैसे ये हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण होगा, कैसे हम इस 84 लाख योनियों से बाहर निकलेंगे। इस सब ज्ञान से रत है ये भारतवर्ष, पूरे ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में एक भारतवर्ष, हर ब्रह्मांड में एक भारतवर्ष है, पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। आज की डेट में देख लो, स्वामी महाराज जिन्होंने इस्कॉन बनाया, वो लंदन गए। पहली बार जब लंदन गए ना, प्रेस रिपोर्टर्स बैठे हैं, तो एक प्रेस वाले ने, एक प्रेस रिपोर्टर ने थोड़ा सा मजाक करने के लिहाजे से ना उनसे ये बोल दिया, अरे स्वामी जी आप अब यहाँ क्या करने आए हो, हमने तो आपके देशों पे, आपके देश पे कई सौ साल राज्य किया है, आप हमारे गुलाम थे। थोड़ा मजाक कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने भी बड़े आराम से, बड़े आराम से माइक लिया और एक ही चीज बोली, ऐसा है आप लोग आए तो सही है, बाहर बाहर का हमारा ऐश्वर्य देख लिया। बाहर बाहर का ऐश्वर्य क्या? सोने की चिड़िया है भारत। बाहर बाहर का ऐश्वर्य लिया और वो लूट के लेके चले गए, पर जो अंदर का असली धन था वो आपको तो समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। अब ना मैं आया हूं फ्री में देने के लिए। क्या करने के लिए? फ्री में देने के लिए मैं आया हूं, तो अब इसको ले लो। तो वही चीज हम अपने भारतीयों को समझा रहे हैं कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं। और देखो कैसे भारतीय हैं, कि ये ज्ञान, ये उजाला आज की डेट में भारत क्या है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इधर से चाइना खाने की कोशिश कर रहा, उधर से पाकिस्तान, उस जमीन के टुकड़ों को, पर जो उसके संस्कार है उस जमीन के टुकड़े को, वो असली भारत है। और वो भारत कैसा है कि आज की डेट में दुबई, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, दुनिया का कोई भी कोना उठा लो, वहां जाकर ये संस्कार उन लोगों में घुस रहा है और वहां पे भारत को बढ़ा रहा है। रशिया में भारत है, अमेरिका में भारत है। सोचो ये वो असली भारत है, और ये असली वो भारतीय वस्तु है जिस चीज का हमें क्या होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। और उसको क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। तो सबसे पहले मैं बचा के रखूं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करूं कि वो बचा के रखें, तभी हम क्या कहलाएंगे, असली भारतीय। तो हमें क्या बनना है, वो भारतीय जो क्या कर रहा है, बिना मारे किसी दूसरे को भी भारतीय बना देता है। गॉड प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, नाम जरूर लिखवा देना, ठीक है, नाम जरूर लिखवा देना। एक कागज पेन है तुम्हारे पास? देखो इनकी, इनकी जो बेटी है, इनकी बेटी भी कुछ बोलनी चाहती है। देखो इन लोगों ने बड़े धूमधाम से ये भागवत कथा रखवाई, और हमारे से नरसिंह प्रभु जी और इनके धर्म पत्र से ममता, इनका नाम हमारे मंजरी दास से नाम दिया है भक्ति का, इन दोनों ने बड़ी बड़ा चढ़ा करके और हर चीज को बढ़िया से, बढ़िया रूप में उन्होंने ये भागवत को तन मन और धन, ये तीनों से इन लोगों ने ये भागवत कथा को बढ़िया रूप में करवाए। अब इसलिए ये दोनों पति पत्नी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा। ये लोग ऐसे ही, देखो कथा में कितने लोग लाभान्वित हुए। हमारे जो प्रभुपाद वो कहते थे, माया में जो फंसे हुए जीव, एक जीव को किसी तरह से अगर प्रभु की भजने में लगा दिया जाए, केवल एक व्यक्ति को, तो उसमें इतने पुण्य हैं। अगर एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल खोल दे, करोड़ों करोड़ कॉलेज और अन्य छत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य है
उसमें जो पुण्य मिलेगा इससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर एक व्यक्ति का मन को अगर प्रभु की भक्ति में किसी तरह से लगा दे। क्योंकि जो भगवान की भक्ति में एक बार लग जाए, कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम में जाने पर कभी जीव पुनः इस संसार में आएगा ही नहीं। लेकिन ये जगत का जो दान दान है, जैसे किसको खिलाओ दो तीन घंटा बाद में भूख लगेगी, किसको वस्त्र पढ़ाओ दो दिन बाद में फट जाएगी, किसको थोड़ी सी दवा दे दो दिन बाद में फिर बीमारी। लेकिन जब कोई भगवान की भक्ति में एक बार लग जाए, भगवान कृष्ण खुद कहते गीता में हे अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने पर जीव चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु दुख कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ये कथा में कितने लोगों का मन प्रभु की भक्ति में लगा है, और जो पुण्य किसको लगेगा जिन्होंने ये भागवत कथा करवाए उनको ये सारे पुण्य उनको ही लगेगा, इनको ही लगेगा। क्यों? इनकी कृपा से ही इतने लोग प्रभु की भजन में उन्मुख हुए हैं। इसलिए भागवत कथा की इतनी महिमा पहले आप लोगों ने सुने, जिस समय ये धुंधुकारी ने शरीर छोड़ा, प्रेत जन्म को प्राप्त किया, जब उनको नाम पर गया में पिंड प्रदान की तभी उनको मुक्ति नहीं मिली। बोले मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो तभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब इनको एक बार केवल ये भागवत कथा सुनाई गई, ये भागवत कथा से ही इनको ये संसार से मुक्ति मिली। मतलब है हम पापी से पापी क्यों नहीं हो, एक बार केवल भगवत कथा में, ये भागवत कथा में बैठ जाओ, ये भागवत कथा आपको जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त करा देगा। इसलिए ये दोनों पति पत्नी ने जो जिंदगी भर उन्होंने पैसा कमाए, उससे कुछ पैसा उन्होंने जो भगवत सेवा में लगाए, ठाकुर को सेवा में लगाए। देखो पैसा, ये पैसा को कहते हैं लक्ष्मी, पैसा को क्या कहते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। तभी ये लक्ष्मी की सार्थकता है जब ये लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगे। अगर प्रभु को सेवा में नहीं लगेगा ना, शास्त्र कहता है अरब खरब रुपया तो कमा ले, लेकिन वो लक्ष्मी अगर प्रभु की सेवा में नहीं लगेगी फिर तो ये कभी सुख शांति घर में नहीं देगी। कलह ले आएगी, झगड़ा ले आएगी, बीमारी ले आएगी, घर में दुख कष्ट ले आएगी। क्यों? लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी है, तभी वो सुख शांति देती है जब ये नारायणी की सेवा में लगे। इसलिए इन्होंने जो ये भागवत कथा रखवाए, इनके लिए ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, इनको खूब भक्ति दे, खूब आनंद दे, खूब शांति सुख दे, ये खूब बैठते रहे और भगवान की सेवा करते रहे। इसलिए इनके लिए और एक बार जोरदार ताली बजाओ। और इनकी कहते इनकी तीन तीन बेटियां हैं, और जो तीन तीन बेटियां हैं ना, और इनके तीन तीन दामाद भी इनके हैं। इन लोगों ने भी हर तरह से इनके जो बेटियां हैं ये तो पूरा उन्होंने नौकरी करती है, लेकिन उन्होंने पूरा छुट्टी ले ली 7 दिन तक। बोले नहीं भागवत में कथा करनी, इनके जो दो बेटी है वो पूरा छुट्टी ले ली। और इनका जो तीन जो दामाद है ना, इन लोग तीनों दामाद भी दिन रात इन लोगों ने ये भागवत कथा में हर तरह से मदद की है। जैसे मोनिका है और श्री संजीव प्रभु जी, ललित और सुमिता है, और बसंत और अनिशा है, कहते इन लोगों ने हर तरह से सेवा की। इसलिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर उनको खूब आशीर्वाद दे, खूब फलते फलते रहे और खूब शांति सुख में रहे, और इनको भी भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम भी इनको भी प्राप्त हो। अब इनकी बेटी वो थोड़ी सी कुछ बोलना चाहती है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद श्री श्रीमद भक्ति विदान नारायण गोस्वामी जी के चरणों में मेरा नमस्कार। श्री श्रीमद भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा नमस्कार। और साथ में जो सहगन है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बुद्धि प्रदान करी इन 7 दिनों में, उनके लिए मेरा सादर नमस्कार। महाराज जी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। ये महाराज जी मुखर्जी नगर में आए और उन्होंने हमें श्रीमद
भागवत पुराण के बारे में बताया, हमें ज्ञान प्रदान किया, हमें ऐसे लगा जैसे हम वैकुंठ धाम में बैठे हैं। वैकुंठ धाम क्या, हमें लगा कि हम साक्षात गोलोक वृंदावन में बैठे हैं। हरि बोल। 7 दिन कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं लगा। पूरा दिन हम लोग बस यही देखते थे कि महाराज जी के पास बैठे और अपने प्रश्नों का उत्तर मांगे, अपनी अज्ञानता को हम क्लियर करें। हम इसी में रहते थे पूरा दिन। और महाराज जी ने हमारे पे बहुत कृपा करी और हमारी कई प्रश्नों का हमें संतोषजनक उत्तर दिया। कई चीज़ें हमारे दिमाग में थी जो हम सोचते रहते थे कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने हमें बहुत बहुत ही अच्छे से हमें इस बात को समझाया जो हमारी आज बुद्धि में बैठ गया है अच्छे से। और इन 7 दिनों में हमारी विचारधारा में बहुत परिवर्तन आया है और हम इनकी बोली पे मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और खाली हम ही नहीं, हम परिवारजन के अलावा भी जो लोग आते हैं, जो लोग सम्मिलित होते हैं हर उस कथा में, वो आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुए हैं महाराज जी। और वो भी चाहते हैं कि वो भक्ति मार्ग में चले और उस पर अग्रसर हो, उस पर आगे बढ़े। मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा का भी बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे माँ बाप मिले, जिनकी वजह से हम ये ऐसा कुछ हम अवसर प्रदान मिला कि हम ऐसा कुछ अटेंड कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ में हम पार्ट ले पा रहे हैं। क्योंकि हमें वैसे अगर कभी अपने घर का कोई इवेंट है तो हम अच्छे से उस पर पार्ट ले पा रहे हैं, किसी और के घर का हो तो हम इतने अच्छे से नहीं ले पाते। हम अपने बहुत भाग्यशाली फील कर रहे हैं। और मैं आज सब बच्चों की तरफ से हम पापा को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज आपकी वजह से हमें ये इतना अच्छा अवसर मिला कि हमें इतने अच्छे संतों का हमें संग मिला। हरी बोल। पांके प्यारी लाल की। प्रभु जी, हम अवश्य ही हमसे और हमारे परिवार से कोई ना कोई भूल जरूर हुई होगी। हम सारे परिवार की ओर से मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि हमारी भूलता, हमारी अज्ञानता को प्लीज क्षमा कीजिए। और हम लोग अज्ञान, हम बच्चे हम सारे बहुत अज्ञानी हैं, तो आपने हमें इतना ज्ञान दिया, हमारी भूल को जरूर क्षमा कीजिएगा। हम मराई से प्रार्थना करते हैं कि आप जब भी दिल्ली आओ तो ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहे। और बार बार प्रार्थना करते हैं कि कम से कम साल में एक बार भगवत कथा जरूर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। और महाराज जी, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, आपने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी दिए हुए ज्ञान पे चलें। और हम कहेंगे कि भगवान और आप हम पे कृपा बनाए रखें कि हम इस दिए ज्ञान पे आगे बढ़ सके और हम इसका लाभ उठा सके। हरे कृष्णा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल की जय। हाँ देखो, अब तो इनके परिवार के लिए खूब ताली बजाए, लेकिन ताली में तो बजाए, अभी जो श्रोता हैं, अगर परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी होते, अगर परीक्षित महाराज नहीं होते ना, ये कथा असंभव होती। इसलिए हरे कृष्ण। हाँ, जो कथा सुनने के लिए आप लोग आए ही, आप सब परीक्षित हैं। अगर ये सब कुछ व्यवस्था हो जाता बढ़िया से बढ़िया, लेकिन अगर आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते, फिर ये कथा क्या संभव था। इसलिए परीक्षित के बगैर कथा असंभव है। इसलिए जो कथा सुनने के लिए आए हो, आप सबके सब परीक्षित हैं। आप सबके सब परीक्षित हैं। आप लोग ने दो दो तीन तीन घंटा घर का एसी सुख छोड़ करके और वहाँ पर कितने आनंद से रहते थे, लेकिन यहाँ पर आकर के तीन तीन घंटा दो दो घंटा बैठे। इसलिए जितने भक्त लोग कथा सुनने के लिए आते थे, आप सभी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ
ठाकुर जी आपको शांति और सुख दे, आप खूब संसार में आप भलते बोलते रहो, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ जोर से। देखो इन्हीं कथाओं में और हमारे वृंदावन से श्री श्याम सुंदर प्रभु जी जो बड़े सुंदर क्यासियों बजाते हुए और आपको उन्होंने नृत्य नचाते नचाते आप लोगों को प्रेम में विभोर कर दिए, और हमारे श्री संजीत प्रभु सुधामा प्रभु जी बड़े सुंदर जो ढोलकी बजाए, और हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी पैर में, और हमारे जो रोहिणी सुख प्रभु इन्होंने भी पूरा 18,000 जो श्लोक है अभी जो आपको कथा सुना रहे थे पूरा संस्कृति का बैठ करके 18,000 श्लोकों को पढ़ रहे हैं, और आपको जो बीच बीच में आकर ज्ञान प्रदान करेंगे, इसलिए आप इन्हीं के लिए भी जोरदार हम लोग ताली बजाएं। और इन कथाओं में हमारे जो माइक वाले भैया अगर ये संगत नहीं देते हम तो इतने जोर से बोल नहीं पाते, इसलिए इन्होंने भी अच्छे तरह से जहाँ जहाँ हमारी कथा होती है ये भी हर जगह पर जाते हैं, आप इनके लिए भी ताली इनके लिए भी ताली बजाओ। और हम लोगों के लिए ऊपर में कुछ माताएं बड़े सुंदर प्रसाद बनाते थे, बड़े सुंदर रोज रोज अलग अलग रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाना बना करके प्रसाद बना करके हमारे लिए, एक दिन सब रोज रोज चेंज, एक दिन में एक नहीं रोज अलग अलग जो प्रसाद बनाकर खिलाए हम इन्हीं के लिए भी, और इनका जो परिवार के जो भक्त लोग आए हैं कथा सुनने के लिए हम सभी के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी इनकी शांति सुख दो और खूब फलते फूलते रहे और भगवान की भक्ति करें, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो आज कथा की विश्राम दिन है और कल यहाँ पर कल हमारी और आली गांव में कल कथा शुरू होगी, वो कथा भी सवेरे कथा होगी, वो 10 बजे से वहाँ पर कथा, इसलिए कल हम लोग यहाँ यज्ञ करेंगे। कल मैं बता रहा था ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं, ये यज्ञ वैष्णव होम है और उसमें नरसिंह भगवान के मंत्र से आहुति देते हैं, जैसे श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई लेकिन नरसिंह भगवान सारे दुख से दूर किए, इसलिए कल जो हम यज्ञ होगा वो नरसिंह भगवान के मंत्र से, अगर उसमें कोई आहुति देते हैं जीवन का जो दुख कष्ट कोई ग्रह पीड़ित कोई काल सब्र जो अलग अलग सब उनके ऊपर में कोई ग्रह की पीड़ा लेकिन उसमें देने से आहुति वो सारी दुख दूर हो जाता है, इसलिए कल सवेरे हम लोगों को यज्ञ खत्म करके फिर हम जाना पड़ेगा, इसलिए आप किसी तरह से 7-8 बजे को अंदर में आ जाना, देरी होएगा तो हम देरी नहीं करेंगे, और हो सके तो घर से थोड़ी सी कोई घी ला सकते हो नहीं तो थोड़ी सी कोई हवन सामग्री नहीं तो गोला अगर जो कुछ तुम्हारे घर में हो शुद्ध रूप में, ऐसे नहीं जो घी को आप व्यवहार कर रहे हो उसको नहीं, वो पवित्र रूप में अगर हो थोड़ी सी ला सकते हो, नहीं ला सकते कोई बात नहीं, आप लोग सवेरे एकदम 8 बजे को अंदर में किसी तरह से आ जाना, हम 8 बजे अंदर में शुरुआत करके 9 बजे विश्राम लेकर के हम यहाँ से हम जाना पड़ेगा, क्यों 10 बजे वहाँ पर हमारी कथा है, ठीक है। अभी भगवान कृष्ण रुक्मिणी की विवाह होगी लेकिन उसको पहले और 5-7 मिनट हम लेना चाहते हैं, जैसे आप लोग ने 7 दिन तक कथा सुनी, नियम है कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो, भले ले किया और दे किया, भले जितने गंदी चीज को दे जाओ बुरी चीज को दे जाओ, भले ले किया भले भगवान की भक्ति भगवान के प्रेम को लेकर के जाओ, भले बुरी चीज किया भले 4 चीज बुरी बताए, भागवत में परीक्षित महाराज कली को 4 जगह पर स्थान किया कि जो अनर्थ पाप को, पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि धर्म का पहला चरण सत्य, जुआ खेलने वाले कभी सच नहीं बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, इसलिए धर्म का पहला चरण यहाँ समाप्त हो जाती है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया देखो मैं धर्मराज युधिष्ठिर धर्म स्वरूप हूँ लेकिन ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश, राज्य गया भाई गया पत्नी गई 13 साल तक जंगल में हमें भटकना पड़ा, कभी ये जुआ में हाथ मत लगाया करो, जुआ में अभी तो कोई बड़े आदमी नहीं हुए हैं, जितना जीतोगे बाहर बाद में फिर से हार जाओगे। दूसरा नंबर है किसी तरह का नशीली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा शराब ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, जीवन में एक ही नशा हो भगवान के प्रेम की भगवान की भक्ति की एक ही नशा जीवन में होनी चाहिए,
यहाँ तक भी जो चाय है ये भी एक नशीली वस्तु है, क्योंकि उसमें निकोटीन और उसमें पैजन और निकोटीन और उसमें कैफीन डालते हैं। कहते इसको लेने से तपस्या नष्ट हो जाता है। जो तीसरा चीज है कहते अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से मिलने नहीं चाहिए। संसार करो शादी करके पति पत्नी दोनों मिल करके धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ बिताओ। बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया है, हैं? पवित्र होकर के अपना धर्म पूर्वक अपना संस्कार अपना संसार बिताओ। यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा स्थान है पाप का कहते हैं जीव हिंसा है। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसको खाने से जी हृदय से ये जो जो दया ये नष्ट हो जाती है। अगर दया होगा तो हम कभी दूसरे जीव को काट कर खा नहीं सकते, क्योंकि हम एक भगवान की संतान है। केवल हम ही संतान नहीं, क्या मुर्गा नहीं संतान, कि बकरी उनकी संतान नहीं, सब उनकी बच्चे हैं। हम एक पिता माता की संतान है, इसलिए कभी ये तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसका नाम है मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी जिसको खा रहे हैं बाद में फिर हमें जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट बा ईट मी ईट और ईट मी, मतलब अभी जिसको खा रहे हैं बाद में हमें फिर जो खाएगा, इसलिए उसका नाम मीट है। इसलिए ये तामस की भोजन है, ये वस्तु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसको खाने से हम सबके सब जीवन में सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना सुख दो तभी तो सुख मिलेगा, दुख देकर कभी कोई इसको सुख नहीं मिल सकता है। जब एक जानवर को काटते हैं वो जो कष्ट भोग करता है उसको कौन भोगेगा, हमें ही भोग करना पड़ेगा। अगर हम एक किसको थप्पड़ मारे ना झट वो दो थप्पड़ मारेगा, क्यों, पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए ये जो मांस मछली इसको नहीं खानी चाहिए, इसको संपूर्ण वर्जित करनी चाहिए। और एक चीज है प्याज लहसुन, इसको भी नहीं खानी चाहिए। जैसे आप लोग अभी अभी नवदुर्गा नवरात्रि कौन कौन कर रहे थे, आप लोग प्राय आप लोग कर रहे थे, आप लोग क्या 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन खाए आप लोगों ने, आप लोग कोई प्याज लहसुन खाए हो, नहीं खाए। बोले क्यों नहीं खाए, कारण है माताजी को ये पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाए। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर खा करके नाराज कर दो, इसलिए माताजी को जो पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं रहनी चाहिए, इसको हमें वर्जित करनी चाहिए। देखो ये भागवत में 2 कथा है, ये प्याज लहसुन कैसे सृष्टि हुई आप लोगों ने पहले सुने, जिस समय देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किया, ये समुद्र मंथन से जब अमृत निकली मोहिनी, ये देवता दैत्यों को अमृत बांट रहे थे। देवता को अमृत बांटते हुए वहां पर दो एक दैत्य था सौरभान नामक, ये चंद्र सूर्य को बीच में बैठ करके धोखे से अमृत पी लिया। इतने में चंद्र सूर्य ने कहा प्रभु ये दैत्य ये देवता ने धोखे देकर अमृत लिया है। इतने में भगवान चक्र को बुलाया और उन्होंने उसको गला काट दिए। जब गला काट दिए जहां पर उसकी मांस गिर पड़ा वहीं से प्याज के पौधा हुए। अब देखना जैसे मांस लाल लाल रंग के, ये प्याज भी लाल लाल रंग के। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, आप कच्चा प्याज खाओ देखो मुंह से वैसे बदबू आती है, मुंह से वैसे बदबू आएगी। अगर यहाँ प्याज कटेगी ना पूरा यहाँ पता चले जाएगा कहीं प्याज कट गई है। अब प्याज काटो आंखों से आंसू आ जाती है, छों को देखो देखो उसका बदबू फैल जाती है, क्योंकि इसका जो सृष्टि है ये तामस की वस्तु से सृष्टि हुई। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन आहार शुद्धे सत्व शुद्धि सत्व शुद्धे ध्रुवाम स्मृति, जब तक ये आहार शुद्ध नहीं होता है तब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा। कहते हैं ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, हम अन्न जैसे खाएंगे हमारी मन भी वैसे बनेगा। इसलिए हमें सात्विक आहार हमें करनी चाहिए। देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन
प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते। कहते जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाता है उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आता है। कृष्ण खुद कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग नहीं लगाता है, कृष्ण कहते हैं भुंजन्ते तु अघम पापा, जो मेरे को भोग लगाए बगैर खा लेते हैं, कहते वो हर ग्रास ग्रास में वो पाप भोजन करते हैं। लेकिन अगर खाने में अगर हम प्याज लहसुन डालते हैं फिर क्या होगा, वो ठाकुर जी की भोग में नहीं लग पाएगा। अगर उसको प्याज लहसुन अगर डालोगे, अगर इतने चीज अगर हम छोड़ देंगे, हम रोज रोज घर में ठाकुर जी को भोग लगा करके खा सकते हैं। और देखो भगवान को भोग लगाने का कितना पुण्य। देखो आप लोग ने सुदामा का नाम सुने होंगे, ये इतने धनी कैसे बने और ये इतने गरीब कैसे बने, ध्यान देकर सुना। आप लोग टीवी में कृष्ण लीला देखे होंगे, एक समय कृष्ण सुदामा ये जंगल में जा रहे थे, इनकी गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया, बोले सुदामा कृष्ण को दे करके खाइयो। अब टीवी में देखे होंगे ये सुदामा ने कृष्ण को बिना दिए उनने छुपा छुपा करके खाना खाया। भगवान बोले मेरे हिस्सा खा रहे हो तुम, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े दिन तक उनको दरिद्र उठाना पड़ा, बड़े दुख कष्ट भोग गए। लेकिन धनी का बने जब भगवान को दर्शन के लिए गए, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए। जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी इनके हाथ पकड़ ली, बोले प्रभु और मत खाया करो, अब दो मुट्ठी खा लिए इनके घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी इसके घर में दासी बन जाऊंगा। और सुदामा जब घर में आया सोने की महल बना हुई, पत्नी रानी बन करके बैठी हुई, अपना पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था, ऐसे रानी बन करके बैठी हुई। इसका मतलब है अगर हम भगवान की भोग लगा कर खाते हैं क्या होगा, हमारे घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में खूब पैसा आएगा, धन दौलत आएगा। क्यों, आप भगवान की भोग लगा कर खाते हो, लक्ष्मी ठाकुर का सेवा में लग रही है, इसलिए ठाकुर जी खुश हो करके, जब ठाकुर जी खुश होएंगे फिर लक्ष्मी क्या करेगी, खूब माला देगी, खूब माल देगी, खूब लो खूब पैसा लो लेकर के मेरे प्रभु को तुम सेवा करो मेरे प्रभु को, ठीक है ना। इसलिए भगवान को भोग लगा करके रोज घर में भोग लगा कर खाओ, अब स्वयं देखोगे ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना, घर का जो दुख कष्ट स्वयं देखोगे सारे दुख कष्ट घर का दूर हो जाएगा। क्यों, भगवान की प्रसाद खा रहे हो, ठाकुर जी की प्रसाद आप सेवा कर रहे हो, कम से कम इतना चीज यहाँ से लेकर के जरूर जाया करो। बोले चार चीज तो छोड़ेंगे, बोले चार चीज लेंगे, बोले चार चीज क्या लेंगे, बोले पहला चीज है हर घर में जरूर ठाकुर जी की पूजा सेवा होनी चाहिए। किसको किसको घर में ठाकुर जी है, हाथ उठाओ तो, किसको किसको घर में ठाकुर जी, जरूर घर में ठाकुर को पूजा सेवा करना, ठाकुर जी का आरती उतारना, ठाकुर जी को भोग लगा। देखो इसमें भागवत में एक उदाहरण दिया, जैसे अपना शरीर को सुंदर रूप में सजा, सजा करके आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे आप सजाओगे ना आपका परछाई भी वैसे सज जाएगा। उसी तरह मूल कौन है, ठाकुर जी। आप जितने सुंदर ठाकुर को सेवा करोगे, कपड़ा पहनाओगे, स्नान कराओगे, ठाकुर को भोग लगाओगे ना, आप स्वयं देखना तुम्हारी घर भी सज जाएगी, तुम्हारी घर अच्छी तरह से सज जाएगी। क्यों, सजाने वाले ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर ऐसे नहीं हम ठाकुर जी को एक कपड़ा पहना करके एक महीना से रखे, हम रोज रोज अपने दो दो तीन तीन बार कपड़ा बदलाते हैं और ठाकुर जी एक महीना से कपड़ा पहनते हैं। द्रौपदी ने भगवान को केवल थोड़ी सी कपड़ा दे दी, भरी सभा में ठाकुर को कितने वस्त्र दिए। आप देखना ठाकुर को जितने सुंदर से सजाओगे, जितने सुंदर सुंदर कपड़ा सजाओगे, देखना उतना ही घर में आनंद और खुशियाली, संसार में उतना आनंद होगा, ठीक है ना। घर में ठाकुर को एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, ये अयोध्या की सही कथा है। मतलब एक समय अयोध्या में कोई एक संत रहते थे और उनका एक छोटा बच्चा शिष्य जिसका नाम रामदास था, ये बच्चे को पास में बैठा, तो बैठो 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 बैठो
इसलिए अभी एक दिन गुरु जी को कहीं जाना पड़ा और छोटा बच्चा उनका शिष्य रामदास था, बोले बेटा मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरु जी आपका आशीर्वाद होगा तो कर लूंगा। लेकिन वो बच्चा छोटा है, उसने ठाकुर जी के लिए खाना बनाया, ठाकुर जी को सामने धर दिया। छोटा बच्चा आपको भी देखा नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाते हैं, लेकिन देखो भक्ति क्या चीज है। जब वो सोच रहा था जैसे हम भी बैठ करके पीढ़ी को पर खाना खाते हैं, ठाकुर भी खाएंगे, ठाकुर को सामने धर दिया, बोले ठाकुर जी आओ और खाना खाओ। लेकिन ठाकुर जी उतर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, बोले क्या मेरे से नाराज है आप? आपका रोज गुरु जी को हाथों में खाया करते थे, पर मेरे हाथ में क्यों नहीं खाते हो? बोले आओ प्रेम से बैठो और भोजन करो। तब भी ठाकुर बैठ नहीं रहे, बोले अगर आप खाना नहीं खाओगे, देखो सामने ये सरज नदी बह रही है, इसमें मैं फिर आत्महत्या कर दूंगा। वो बच्चा उसमें आत्महत्या करने के लिए गया और भगवान राम हिल गए ठाकुर जी, एकदम ठाकुर जी हिल गए। हनुमान जी को बोले हनुमान जी जल्दी जल्दी जाओ उसको पकड़ करके लाओ। बोले ठाकुर जी खाना खा रहे हैं, सचमुच से आकर के देखा और भगवान राम स्वयं खा रहे थे, माता जानक भी खाई। देखो आप लोग सोचोगे सब गप्पे हैं, आप लोग जगन्नाथपुरी कौन गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? देखो वहां पर एक ठाकुर आलारनाथ है, वो ठाकुर जी को एक समय एकदम गर्म गर्म खीर भोग लगाया, ये सत्य युग का ठाकुर है। वो ठाकुर जी गर्म खीर में हाथ डाल करके जब मुंह में डाले, अब ठाकुर का शरीर में देखोगे तीन जगह में खोखला पड़ा हुआ है, तीन जगह में खोखला, इनके हाथ में खोखला पड़ी हुई, मुंह में, और जहां खीर गिरी है ये जो लोग गए उनको पता है तीन जगह में खोखला पड़ा हुआ। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले एक स्टेशन पहले पुरी की, उसका नाम साखी गोपाल है। जानते हो साखी गोपाल क्यों नाम पड़ा? वृंदावन से एक ठाकुर जी चल चल करके साखी देने के लिए पुरी तक पहुंचे, वृंदावन से चलते चलते गए, इसलिए वो स्टेशन का नाम है साखी गोपाल। पुरी में एक ठाकुर है, बहुत लंबे चौड़े कृष्ण थे, एक संत सेवा करते थे, लेकिन जब वो वृद्ध हो गए उनसे और सेवा नहीं हो पा रहा है। बोले ठाकुर जी अपनी आप सेवा का व्यवस्था करो, और कोई सेवक को देखो मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, सवेरे देखना मैं बैठ गया, अब जा करके देखोगे जैसे एक व्यक्ति पद्मासन करके बैठे वो ठाकुर ही पद्मासन करके ठाकुर स्वयं बैठे। पृथ्वी में एक ठाकुर आप देखोगे जो पद्मासन करके बैठेंगे। अगर कभी आप कभी जगन्नाथपुरी जाना चाहोगे ना, अगर हमारे साथ में संबंध रखोगे आप ये सारे चीज आपको दिखाएंगे, कैसे ये सारे चीज को देखोगे। एक बालेश्वर है जगन्नाथ उड़ीसा में, जिस ठाकुर को राम ने स्वयं अपना हाथों सोने में बनाया, उनका नाम खीर चिरा गोपीनाथ। एक संत जब वहां पर पहुंचे ठाकुर जी को सुंदर खीर भोग लगता था, इनकी मन में खीर खाने की इच्छा हुई, बोले भैया मैंने गलती की, भगवान को भोग नहीं लगा, बोले मैं खाऊं, वहां से चले गए। भगवान उनके लिए खीर चोरी की, इसलिए अभी भी वो ठाकुर का नाम खीर चिरा गोपीनाथ। सारा दुनिया को चोर 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 बोलते, क्यों? उन्होंने भक्त के लिए चोरी किया। अगर कभी आप जाओगे ना, आप अगर हमारे साथ में चलोगे ये सारे ठाकुर आपको दर्शन कराएंगे, कितने सुंदर ये ठाकुर है। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, कहते ना कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी के जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा की जैसे तुम। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भक्त बन कर तो देखो भगवान क्या करते नहीं करते हैं। इसलिए जब हम भगवान की भक्त बन करके देखेंगे ना, ठाकुर हमारे लिए सब कुछ, ठाकुर जी सब कुछ हमारे लिए करेंगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए घर में रोज ठाकुर जी को, एक भक्त थी ये दिल्ली के हैं, कुछ दिन पहले शरीर छोड़ दिया, उसकी भावना आप सुनोगे ना आश्चर्य में पड़ जाओगे। रोज वे माता जी 1,00,000 हरिनाम करती थी, ठाकुर को रोज श्रृंगार करती थी, ठाकुर को खाना बना कर खिलाती थी। आप उसकी अनुभूति जब हम सुनते थे आश्चर्यचकित हो जाते थे। बोलते कभी कभी ठाकुर उसको बहुत सारे वस्त्रों को रखती थी, जब जब वृंदावन में आएगी तब तक नया वस्त्र लेकर जाएगी, तब तक
इसलिए वो बोलती थी अगर ठाकुर जी को ऐसे कपड़ा पहनने का इच्छा हो, जब मैं उसको कपड़ा पहनाते हूँ वो अपने आप कपड़ा खिसक जाते हैं। मतलब ठाकुर का तो नहीं, ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, मेरे को और ये कपड़ा पहनाओ। पर जब तक ठाकुर का पसंद का कपड़ा नहीं पहन लेते थे, वो बोलते थे ठाकुर पहनते नहीं, अपने आप खिसक जाते थे। अगर कभी कभी वो बोलती थी, मेरे को लगता था ठाकुर आज रूठ गए, ठाकुर की इच्छा आज हम फ्रूट सलाद खाएंगे, नहीं तो हमें कोई गर्म गर्म खीर भोग लगाकर खिलाओ। ठाकुर जिसको स्वप्न देते थे ऐसे अनुभूति की बात बताते थे ना, आश्चर्य हो जाओगे। और उन्हें शरीर कैसे छोड़ जानते हो, वो एकादशी का दिन शरीर छोड़े, और उसका कुछ बच्चे विदेश में, वो रमेश नगर में रहती थी माता जी, उसका बच्चे इसके हर महीना महीना पैसा भेजती थी, लेकिन वो पैसा कभी अपना लिए खर्चा नहीं करती थी, हर पैसा को जोड़ जोड़ कर रखती थी। और महीना में एक बार वृंदावन आती थी, सारे संतों को बुला करके वो बहुत अच्छी कढ़ी बनाती थी, बहुत बढ़िया कढ़ी बनाती थी, और कढ़ी बना करके ठाकुर को भोग लगा करके भोग लगाती थी, संतों की सेवा करती थी माता जी। और यमुना में जाएगी, महीना में एक बार आएगी, 30 गोता लगाएगी, 30 दिन के लिए 30 गोता लगाएगी। और वहाँ के राधा दामोदर मंदिर गिरिराज रखा हुआ है, उसको एक महीना में 30 परिक्रमा लगाएगी रोज रोज की, और 1,00,000 हरिनाम करेगी। और ठाकुर को सामने बैठा करके वो हारमोनियम बजाना जानती थी, बड़ी सुंदर सुंदर पद ठाकुर को सुनाती थी। अगर आप घर में ठाकुर को दिल से सेवा करो, आप देखोगे ठाकुर जैसे बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, लेकिन अभाव हमारे अंदर में भक्ति। इसलिए सूरदास जी कहते हैं ना, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से करो, भगवान सब कुछ करते हैं, अभी भी भक्त के लिए करते हैं। इसलिए हर घर में क्या होनी चाहिए, ठाकुर जी की जरूर सेवा पूजा होनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा पूजा होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, हर घर में तुलसी की जरूर पौधा हो। किसके किस घर में तुलसी पौधा है, हाँ जरूर, ये तुलसी को जरूर रखना है। तुलसी नहीं, पहले मैंने बताया था ना, ये तुलसी में सबसे ज्यादा विदेश मेडिसिन अगर कोई है, ये तुलसी वृक्ष में। तुलसी भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए, तुलसी में अपना स्वरूप रख कर गए, तुलसी महालक्ष्मी। देखना किस किसी घर में तुलसी बहुत बढ़िया होती है, और किसके घर में तुलसी होती नहीं, क्योंकि जिसके घर में, शास्त्र बताया, जिसके घर में जितने तुलसी सुंदर होगा उसके घर में पैसा उतना ज्यादा है, क्योंकि ये तुलसी लक्ष्मी। आप देखे होंगे सालग्राम के साथ में इनकी शादी होती है, ये माँ लक्ष्मी है। तो तुलसी वृक्ष से ही हनुमान जब लंका में गए, क्या देख करके उतरे, ये तुलसी वृक्ष देख करके उतरे। बोले ये लंका में तुलसी वृक्ष कहाँ से आई, तुलसी वृक्ष देख करके उन्होंने उतरे। इसलिए गले में भी मैंने पहले बताया था ना, विदेश अगर जाना चाहे तो 3 चीज होनी चाहिए, पासपोर्ट, वीजा और टिकट। बोले पासपोर्ट क्या है, बोले गले में तुलसी की कट्टी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो तुलसी पहले मैंने बताया था ना, ये लक्ष्मी और भगवान की निवास है। और पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन। इसलिए जब महाराज कह रहे हैं जिसकी गले में तुलसी कट्टी देखोगे, दूर से प्रणाम कर लेना, समझ जाना ये भगवान की शरण लिया हुआ है। इसलिए जब जमदूत ने पूछा पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, तब उन्होंने उदाहरण क्या दिए, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं इनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के जो रोड में ढूंढते हैं। आप देखना पालतू को कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं। इसलिए गले में अगर तुलसी कंठी है ना, हम ठाकुर का शरण लिए हुए, हम भगवान की शरण लिए हुए, जब स्वयं कहते हैं, देखो हम लोग हिंदू है, देखना मरने का बाद 13 दिन को बाद में शुद्धि होता है। बोले 13 दिन बाद में क्यों शुद्धि होती है, आप सुने होंगे मरने का बाद एक गरुड़ पुराण सुनते हैं, किसने किसने गरुड़ पुराण सुने मरने का बाद, आप सुने होंगे वहां पर सारे विवरण आता है क्यों 13 दिन के बाद में शुद्ध होता है। उसके एक बेहतरीन नदी पार करना पड़ता है, जो नदी कहते केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है, कोड़े मार मार कर उसको पार कराते हैं। कहते भैया किसको पार करना पड़ता है, बोले जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं। अगर तुलसी कंठी है ना, कभी भी जमदूत तुम्हारी तरफ में आंख उठाकर देख नहीं सकते हैं, वो पता चले जाएगा ठाकुर का चरण में उन्होंने शरणागत हुए हैं, हम ठाकुर जी के हैं। इसलिए लेकिन तुलसी कंठी पहनने के लिए
गंदी चीज को छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली तो छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक भी प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा कंठी पहनने के लिए। इसलिए कभी क्या पासपोर्ट बोले भेजा गया है, बोले तिलक ये भेजा है, हैं? कभी टिकट गया है, बोले ठाकुर जी का नाम ही ये टिकट है, भगवान के नाम ही ये टिकट है। इसलिए हम लोगों ने कितना दिन तक कथा सुने हैं, कितना दिन तक? सात दिन तक कथा सुने। भैया ये कथा सात दिन की, ये आठ दिन क्यों नहीं है? ये कथा को सुन लो फिर हुक्म में आ जाइए, ठीक है? पहले सात दिन की कथा सुने, ध्यान देकर सुने। पहले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में राजा से मिलने के लिए आया। राजा राज कार्य में बिजी था। वो संत ने कहा, राजा से एक मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? दरबार ने कहा, मैं पूछ करके आता हूँ। राजा ने सोचा संत क्यों आए, कुछ पैसा लेने के लिए आए होंगे भिक्षा के लिए। तो उन्होंने 101 रुपया भेज दिया, वो संत ने ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने 201 रुपया भेज दिया, तभी नहीं लिए। 1100 रुपया भेज दिया, तभी नहीं लिए। बोले मैं तो एक मिनट के बोले संत से बात करना चाहता हूँ। इतने में संत बोले मेरे पास में कोई समय नहीं। वो राजा बोले मेरे पास में कोई समय नहीं। तो उन्होंने रानी को पास में गए। रानी को जब पता चला कोई संत आए, उन्होंने अंदर में बुला करके ले गए। बोले बाबा आपकी हम क्या सेवा करेंगे? बोले रानी मैं तो कोई विशेष काम लेकर के राजा से एक मिनट बात करना चाहता था, लेकिन राजा मिले ही नहीं। बोले मुझे ही बोलो ना, मैं ही सेवा कर दूंगी। बोले महारानी ध्यान देकर सुनो, मैं अपना भजन का शक्ति से देखा है कि जो राजा है ये सात दिनों में ये राजा मरने वाला है। रानी तो सुनते घबरा गई, क्योंकि अभी अभी नई नई शादी हुई, घर में नई बहू आई, अगर कोई बोले सात दिन में मर जाएगा फिर तो। रानी तो घबरा गई, बोले बात बाबा ये क्या बात सच है? बोले ये बात ध्रुव सत्य है। इतने में बोल करके उन्होंने तो चले गई बाबा। इतने में रानी उन्होंने राजा को बुलाए, बोले जल्दी जल्दी राजा को बुलाओ, अभी अभी रानी बुला रही है। देखो अभी संत मिलने आए थे, कोई फुर्सत नहीं था, लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना, सारे काम को फेंक भागकर भागते भागते आया। बोले भैया क्या बात, इतने जल्दी तुमने क्यों बुलाए? बोले आपके पास में कोई संत मिलने गए थे? बोले हाँ। बोले उनसे मिले? बोले मैं तो राज कार्य में बिजी था। बोले महाराज कहते हैं संत तभी आते हैं जब भगवान की कृपा हो। बोले अति हरि कृपा जा पर होई, पाप देही यह संगत सोई। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी जीवन में संत दर्शन मिलता है। इसलिए संत आए कोई समय नहीं, और मैंने बुलाया तो भागते भागते आए। बोले बताओ ना बात क्या है? बोले बात तो बड़ी गहरा बात है। वो संत ने ये बताए आप सात दिनों में मरने वाले हो। राजा तो घबरा गए, बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ यही तो बताने के लिए आए थे। बोले बाबा गए कहाँ? बोले अभी अभी बाबा चले गए। तो उन्होंने कुछ सिपाही को भेजे, बोले बाबा को बुला कर दिलाओ। जो बुला कर दिलाए संत के चरण में गिर पड़े। बोले बाबा आपने बताया सात दिन में मरने वाला हूँ। बोले हाँ। बोले ये क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है। बोले बचने का कोई उपाय? बोले कोई उपाय नहीं। बोले महाराज कोई चिंता मत करो, आप घबराओ मत, आपने बहुत दान पुण्य किए हो, इसलिए मरने के बाद आपको अखंड स्वर्ग की प्राप्त होगी, इसलिए कोई चिंता मत करो। लेकिन महाराज स्वर्ग में आपको सारे सुख मिलेंगे, लेकिन वहां पर एक कमी है। बोले क्या है? बोले वहां पर बड़े बड़े मच्छर हैं, आपको रात को मच्छर काटेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। बोले फिर बोले चिंता मत करो, वहां पर मच्छरदान का व्यवस्था भी है। लेकिन और एक चीज की कमी। बोले किस चीज की? बोले मच्छरदान के कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर क्या? जब आप ये शरीर छोड़ो साथ में एक सुई धागा लेकर के जाना और उसको सिलाई कर दोगे ना बड़े चैन से सोओगे। बोले सुई धागा ले जाएंगे? बोले हाँ। बोले मरते समय तो यहीं पर जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले क्या तुम्हें पता है सुई धागा में नहीं जाएगा? बोले दुनिया को पता सुई धागा कैसे ले जाओगे, जला तो देंगे यहीं पर, ले कैसे जाओगे? बोले महाराज मैंने आपको इतनी सी बात समझाने के लिए आया, आप जिस राज कार्य में इतने बिजी, कोई साधु भी आए आपके पास में एक मिनट का फुर्सत नहीं, लेकिन इसी राज्य से
जब शरीर छूटेगा एक सुई धागा भी आपको साथ में जाने वाले नहीं। तो संत ने पूछे, बोले ये बताओ मरते समय जब इंसान कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलते हैं राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबको ही बात झूठा है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले राम गोपाल का नाम सच्चा जगत में जो झूठा है। बोले बाबा, बोले महाराज आपको मैंने यही चीज समझाने के लिए आया था, जब ये संसार से शरीर छूटेगी एक सुई धागा भी साथ में जाने वाले नहीं, केवल प्रभु का नाम ही जाएगा। बोले महाराज अभी कान खोल कर सुनो इसका रहस्य, कि आप लोग भी सुन लो इसमें एक रहस्य है। बोले मैंने आपको ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, क्या बोला था? 7 दिनों में, कहती है दिन 7 ही है, दिन कभी 8 होता है नहीं, रवि सोम मंगल बृहस्पति शुक्र शनि, दिन 7 ही है, दिन 8 नहीं होता है। जब हम शरीर छोड़ेंगे ये 7 दिनों में एक ना एक दिन हम शरीर छोड़ेंगे, एक ना एक दिन, इसलिए उन्होंने 7 दिनों में। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे। जब उन्होंने ये बात तो सुने ना, राजा तो आधा ही मर गया था, फिर उसको प्राण आ गया। बोले भैया 7 दिन में मरने वाला नहीं है, 7 दिन में मरने वाला नहीं, जब मरूंगा 7 दिन के अंदर में एक ना एक दिन मरूंगा, लेकिन जाते समय क्या जाएगा? भगवान की नाम जाएगी। अब मेरे तरफ में देखो, वो जो संत है वो राजा को ऐसे के माला और उन्होंने एक झोली पकड़वा। बोले महाराज अब सवेरे नहा धो करके भगवान की ये नाम को जप करते हुए जाना। अभी वो बता रहे थे ना प्रभु जी, जब हम किसको पैसा देते ना ऐसे देते हैं, लेकिन जब लेते हैं कैसे लेते हो? ऐसे देखो, ये जो माला नहीं ये माल है, ये माला नहीं माल है। हम ऐसे ऐसे जप करते हैं, मतलब क्या, हम दे नहीं रहे हैं केवल हम डिपॉजिट कर रहे हैं, इसको जमा कर रहे हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के लिए मोती मैं बिखराऊं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे उस माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जब राजा को उन्होंने इसे माला झोली पकड़वाई, राजा का जीवन ही बदल गया। बोले बाबा आज तक हमें आप दिव्य ज्ञान प्रदान किया, मेरी आंख आपने खोल दी, मैं काम रोज नहा धो करके भगवान के नाम जप करके जाऊंगा, जो काम करूंगा ठाकुर को सेवा मान कर करूंगा, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर का नाम लूंगा, जब फिर वापस आऊंगा प्रभु का नाम जप करूंगा। आप देखना हमारे संप्रदाय में जितने संत है ना, आप देखना ये माला कभी नहीं छोड़ते, क्यों? उनको पता है ना यही चीज जाएगी, जो एक एक जो श्वास जा रहा है, जैसे मानो अंबानी, डॉक्टर ने बोल दिया इसका अंतिम श्वास, अगर बोले 4 कोहिनूर हीरे दे रहा हूं, इसका एक श्वास वापस ले आओ, ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इसका मानव शरीर का जो एक एक श्वास है, भगवान राम कह रहे हैं, बोले इसका जो एक एक श्वास अनमोल है, क्योंकि ये जीवन 84 लाख जन्म के बाद मिली। हर श्वास श्वास में अगर प्रभु की नाम अगर निकलती है ना, समझो ये श्वास का सार्थकता है, नहीं तो फिर ये दोबारा जीवन हमें ठाकुर हमें नहीं देने वाले। ठीक है, जिनकी इच्छा होगी हम माला जब करना चाहते हैं कथा के बाद में आना, आपको एक ही माला दे दूंगा। ठीक है, और आपको तो 4 दिन तक मैंने माला जब करवाया आपको, अगर जो प्याज लहसुन कूड़ा छोड़ दोगे, मांस मछली छोड़ोगे, फिर हम तुलसी माला देते हैं, फिर उनके लिए, फिर कल अगर सवेरे आओगे फिर आपका सवेरे वो तुलसी माला और गले में जो कंठी तभी देते हैं जब ये प्याज लहसुन सब छोड़ देते हो, मांस मछली को तभी हम देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस करने के लिए इसके लिए कोई विधान नहीं, धीरे 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 कोशिश करना छोड़ने के लिए, फिर हम उसके लिए नींद की माला देते हैं, उसको लेकर के हरि नाम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जब करते करते सब छूट जाएगी फिर तुलसी माला लेना। लेकिन सब कोशिश करना एक दो माला लेकर जाना, क्योंकि जो भागवत का जो सार है ये भगवान के नाम है, यही भागवत का सार है, तभी कथा सुनना सार्थकता। जब हमारी प्रभु का नाम में हमारी रुचि हो गई, समझना कथा सुनना हमारी सार्थकता हुई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है,
जाओ उनको ले जाओ तो भैया जाओ जाकर के उनको लेकर के आओ। अभी भगवान कृष्ण की रुक्मिणी की शादी होगी और आप लोग सबके सब शादी में नृत्य करना और प्रसाद लेकर जाना। उनको गेट तक ले आओ, सबको थोड़ा थोड़ा फूल दे दो सबके हाथ में। जब भगवान आएंगे थोड़े थोड़े उनको फूल दे दो, ये फूल इस माला तोड़ कर सबको दे दो। जब ठाकुर जी आएंगे आप लोग भगवान जी को थोड़े थोड़े फूल से आप लोग स्वागत करना। बोले श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। जय श्री राम। हरे कृष्णा। देखो आप लोगों ने हरे कृष्णा इधर सुने, आप भक्त लोगों ने सब सुदामा के लिए कुछ कुछ चावल लाए हो। लास्ट में जब आप जाओगे यहाँ से थोड़ी थोड़ी चावल लेकर जाना, क्योंकि ये भागवत से जब चावल लेकर के जाओगे और मंदिर में ये चावल रखना, कहते जिस मंदिर में ये चावल रखना उसी घर में महालक्ष्मी टिकी रहती है। लक्ष्मी इधर उधर पर लक्ष्मी जाती नहीं, जाते समय थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के यहाँ से जरूर रखना। अभी भगवान कृष्ण रुक्मिणी आ रही है। हरे कृष्णा। देखो कहते श्री विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा थे जिनके 5 बेटे हैं और सबसे जो छोटी बेटी ये महालक्ष्मी है। ये नारद जी को पता था ये साक्षात ये महालक्ष्मी है। बचपन में उन्होंने उनको भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी इनकी बचपन में कथा सुनाया करते थे। अभी कथा सुनते सुनते इनकी रोम रोम में भगवान कृष्ण बैठे गए। अभी रुक्मिणी प्रतिज्ञा की है अगर मैं शादी करूंगी तो श्री द्वारकाधीश से ही शादी करूंगी। लेकिन रुक्मिणी की जो भैया था बोले क्या कृष्ण को साथ में मेरी बहन की शादी होगी? ये कृष्ण ग्वाला गैया चराता था, किस राजा महाराज से मेरी बहन की शादी होगी? बोले किसको साथ में? बोले शिशुपाल को साथ में शादी दूंगा। लेकिन रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाए, बुला करके एक सुंदर प्रेम पत्र लिखे, एक ब्राह्मण को हाथ में दे करके भेज दिए। बोले ये कृष्ण को दे देना। अभी कृष्णा रुक्मिणी को भी नहीं देखे, रुक्मिणी कृष्ण को भी नहीं देखे, अभी कोई किसको देखे ही नहीं। लेकिन वो इतने सुंदर उसमें पत्र लिखा हुआ था, जिस पत्र को सुन करके कृष्ण स्वयं माइक वाला इसलिए जिस पत्र को सुन करके भगवान प्रसन्न होकर के रुक्मिणी को उन्होंने अपहरण किया। देखो पत्र में क्या लिखा हुआ था। बोले हे प्रभु, जगत में अगर कोई सबसे सुंदर है आप ही भुवन सुंदर हो, इसलिए हे प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते आप मेरे रोम रोम में बैठ गए हो। अगर मैं शादी करूंगी तो आपसे, लेकिन ये जगत में और किसी से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, जगत में जो पति है ना, पति मतलब क्या, पा मतलब पालन करना और ती मतलब होता है हमें संसार से जो त्राण कर ले, जो पालन करे और संसार से जो त्राण कर ले, यदि ये कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। अगर आप हमसे यहाँ से उधार नहीं किया, आप पुरुष सिंह हो, अगर सिंह का हिस्से को कोई अगर शेर ले लेना इसमें सिंह का ही बदनामी है, इसलिए हे प्रभु अगर आप मेरे को उधार नहीं करोगे ये प्राण को मैं त्याग कर दूंगी, जन्म जन्मांतर तक त्याग करते रहूंगी, लेकिन जगत में किसी सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। अभी उन्होंने ये भी लिखा आप मेरे को कैसे उधार करोगे? बोले हमारी धर्म में एक नियम है, बेटी शादी से पहले राज महल से बाहर जाती है माता देवी को पूजा करने के लिए। जब मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी उसी समय में अपना पराक्रम को दिखा करके हमें उधार करना। उन्होंने डिटेल से सब कुछ लिख दी। अभी शिशुपाल को पता था ये रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती है, इसलिए शिशुपाल ने सन्न सामंत को लेकर आया, चारी तरफ में घेर गए जैसे कृष्ण बीच में आ ही नहीं सके। इतने में रुक्मिणी अपना सहेलियों के साथ में शंकर जी की मंदिर देवी मंदिर में गई, वहां पर शंकर पार्वती प्रकट हुई और वेद मंत्र से उन्होंने रुक्मिणी और कृष्ण को शादी करा दिया। लेकिन ये रहस्य किसको पता ही नहीं चला। इतने में जब रुक्मिणी वहां से निकली, जब निकल करके देख रही है मेरे प्रभु कहाँ हैं,
रुक्मिणी कौन है? ये जगत माँ जगत जननी माँ लक्ष्मी। इतने सुंदरी रुक्मिणी थी, जब रुक्मिणी ने अपना घूंघट को निकाली ना, वो इतनी सुंदरी थी जिनकी रूप को देख करके जितने वहां सैन्य सामंत वहीं पर बहस हो गए। और कृष्ण वहां प्रकट हुए और रुक्मिणी को हाथ पकड़े और रथ में बैठाए और लेकर उन्होंने चले गए। जब चले गए इतने में जितने सैन्य सामंत होश आया, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले जिसका था तो उसने लेकर गया। इतने में बोले भैया मारो मारो पीटो पीटो। इतने में श्री बलदेव प्रभु आ गए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, तू रुक्मिणी लेकर जा, मैं इसको इनको देख लेता हूँ। बलदेव प्रभु अपना हाल मुसल को निकाले और सबको युद्ध करते करते सबको परास्त कर दिए और रुक्मिणी को लेकर गए द्वारका में। बड़ी धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई। तुमको ले आओ, कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की। जय जय श्री राधे। दो माला है, दो माला दे सकते हो? हरे कृष्णा, दो माला इनके हाथ में दे सकते हो? हाँ, इनके हाथ में तुम माला दो। हाँ देखो, आप लोग जब ये माला बदला करेंगे ना, आप लोग ताली बजाना, माला ले लो। रुक रुक जा, हरे कृष्ण, सामने साइड जाओ, सामने साइड, अरे सामने साइड, प्रभु जी सब बैठ जाओ, अब वहाँ अगर सामने जाओ। देखो अभी भगवान की शादी होगी। अब देखना संसार में जब साधारण शादी हो ना, लोग लोग मेन रोड में पी करके ध्यान से करते हैं, लेकिन आज भगवान की शादी होगी इसलिए सबको वो साथ में नाचना। और देखो अब लोग जो अगर कोई साड़ी लाए होंगे, अगर कोई कोई साड़ी अगर लाए होंगे रुक्मिणी के लिए, आप लोग किसी समय दे करके देना। और जो कुछ देना आप चाहते हो भागवत में, आप लोग किसी समय में भगवान को चढ़ा सकते हो। देखो दोस्तों, बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश की जय। जय जय श्री राधे। कैसे पर को परे जो जन में और मर जाए, पर पर सुर मय मरे हो जा। अरे आओ मेरी सखियों मुझ मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे
Oh,
देखिए इस भजन में सबको भजना है जो कभी नहीं ना समझना है, क्योंकि इस भजन में यानी कि दारुका भेज के शादी में नाचने से 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, इसलिए इस भजन में सबको भजना। क्या आज मेरे साहब की शादी, आज मेरे साहब की शादी।